वेलकम टू गेट एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर के बारे में। ऑटो ट्रांसफॉर्मर हमारे लिए बहुत यूजफुल हो जाता है जहां पर हमें कॉस्ट बचानी हो और इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन हमारे लिए मस्ट ना हो। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर, अगर मैं आपसे कहूं तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर वो टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है, या आप कह सकते हो ऑटो ट्रांसफॉर्मर वो टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की तरह से काम करता है जहां पे इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन नहीं होता, एक वाइंडिंग कॉमन होती है बोथ HV और LV के लिए। तो अगर मैं डेफिनेशन वाइज कहूं तो द ट्रांसफॉर्मर इन विच वाइंडिंग इज कॉमन फॉर बोथ HV एंड LV कैन बी डिफाइंड एज अ ऑटो ट्रांसफॉर्मर। सो प्लीज ऑब्जर्व, अगर मैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर के रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से कर सकते हैं। यहां पे हमारे पास ये एक वाइंडिंग हो गई और ये सेम वाइंडिंग को हम लोग यूज कर रहे हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लिए HV साइड और LV साइड। यहां पर मैंने एक वायर यूज किया हुआ है जो कि यहां पर आप समझिएगा कि हमने कनेक्ट करा हुआ है इलेक्ट्रिकली। ये हमारा जो वोल्टेज है वो HV साइड में VH वोल्टेज बोला जाता है। हाई वोल्टेज वोल्टेज को VH कह दिया हूं और लो वोल्टेज साइड वोल्टेज को VL कह दिया हूं। आपने कहा सर यहां पे हम लोग डॉट भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये मस्ट है क्योंकि अगर हम इस कंडीशन को नहीं समझते कि किस पोलैरिटी में है तो हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर के ऑपरेशन को समझने में असमर्थ रहेंगे। यहां पर हमारे पास लोड है, मान लेते हैं एक साइड में हम सोर्स लगा रहे हैं और लोड साइड लो वोल्टेज साइड में हम लोड लगा रहे हैं। अगर यहां टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की बात की जाए तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए आपके NH हैं और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो NL है। मैं इस पूरी वाइंडिंग को ABCD चार डिवाइडेशन दे देता हूँ। ये AB पोर्शन ऑफ वाइंडिंग है और ये CD पोर्शन ऑफ वाइंडिंग है जहाँ पे C और D आपस में आप समझिएगा ऐठा हुआ है। तो आपने कहा सर अगर हम CD पोर्शन में देखें तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, NL है, और अगर हम AD पोर्शन में देखें तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, NH है। तो बचे हुए इस AB पोर्शन में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, तो आपने कहा सर NH माइनस NL होंगे। ओके, प्लीज ऑब्जर्व करिएगा, यहां पर हम NH को कहते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग। NH रिप्रेजेंट करता है हाई वोल्टेज वाइंडिंग, और अगर हम बात करें यानी AD पोर्शन इज रिप्रेजेंटिंग NH, और अगर हम बात करें BC पोर्शन तो BC पोर्शन कॉमन है, इज कॉमन दैट इज शॉर्टेड, और अगर हम बात करते हैं CD पोर्शन की तो CD पोर्शन जो रिप्रेजेंट करता है वो NL टर्न्स रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा कहलाता है लो वोल्टेज वाइंडिंग। अगर हम बात करें पोर्शन CAB की तो AB पोर्शन कहलाता है NH माइनस NL, और इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग सीरीज वाइंडिंग, इसे हम कॉमन वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं बिकॉज दिस पोर्शन ऑफ वाइंडिंग इज कॉमन फॉर HV एंड LV, वाइल AB इज कॉल्ड एज अ सीरीज वाइंडिंग एंड टर्न्स इन पोर्शन AB इज इक्वल टू NH माइनस NL। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ करंट की तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाते हैं कि हाई वोल्टेज साइड में मान लीजिए करंट IH फ्लो कर रही है, लो वोल्टेज साइड में मान लीजिए करंट IL लोड को डिलीवर हो रही है, तो यहाँ पर जो करंट होगी वो कितनी होगी। तो अगर मैं इस पॉइंट पे KCL लगाता हूँ तो इधर से करंट IH आ रही है, इधर करंट IL जा रही है, तो ऊपर करंट कितनी जा रही है। आपने कहा सर ऊपर करंट जा रही है IL माइनस IH। अब आपने कहा सर ये आपने ऐसे ही क्यों दिखाया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने IH के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही क्यों दिखाया, आपने इसे नीचे दिखा के IH माइनस IL क्यों नहीं मार्क किया। इसके पीछे कुछ कारण है, जरा समझिएगा। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बात करूं ट्रांसफॉर्मर ऑटो ट्रांसफॉर्मर की, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में भी हम लोग कोर यूज करते हैं। ये कोर भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के लिए हम कोर यूज करते थे। यहां पर हमारे कोर पे वाइंडिंग्स वायर्स वाउंडेड है, ये आपके वायर्स वाउंडेड है, प्लीज ऑब्जर्व करिएगा, ये आपके वायर्स वाउंडेड है, मैं मान लेता हूं AB, और ये आपके वायर्स वाउंडेड है CD।
तो हमने ए बी और सी डी वायर्स को उठा के कुछ इस तरह से कनेक्ट किया है कि ये पूरा क्या बन जाए हमारा, एक ऑटो ट्रांसफार्मर। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने उठा के इन दोनों को एक सेपरेट वायर से शॉर्ट कर दिया। अब ध्यान से समझिएगा, हमने उठा के इन दोनों को एक सेपरेट वायर से शॉर्ट कर दिया और आपने कहा सर ये हमारे पास जो पोर्शन है वो कहलाएगा ए डी पोर्शन और ये ए डी पोर्शन के अक्रॉस टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे, तो अगर ये टर्न्स हैं एन एच माइनस एन एल और ये टर्न्स हैं एन एच एन एल, तो टोटल टर्न्स हमारे हो गए एन एच, टोटल टर्न्स हमारे हो गए एन एच और उसके अक्रॉस हम वोल्टेज लगाने जा रहे हैं, वो वोल्टेज हो गया वी एच। प्लीज ऑब्जर्व करिएगा, आपने कहा सर ये सोर्स साइड हो गई, लोड साइड कहाँ है, तो लोड साइड के लिए आप यहाँ पर लोड लगा रहे हैं सी डी के अक्रॉस, ये जो लोड है यहाँ पे आपने वी एल लगा रखा है लोड। तो ये आपके पास टोटल आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में अंदर अगर देखा जाए तो बिल्कुल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जैसा ही है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि बी और सी को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करके टोटल तीन पोर्ट्स मैंने बाहर निकाले, एक ए पोर्ट हो गया, दूसरा बी पोर्ट हो गया और तीसरा डी पोर्ट हो गया। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए यहां पर हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो नो लोड के टाइम पे क्या होगा, आपने कहा सर नो लोड के टाइम पे यहां पे जब आप सप्लाई कनेक्ट करोगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट बहेगी, ये नो लोड करंट होगी, ये नो लोड करंट यहां पे किस तरह से फ्लो करेगी, तो आपने कहा सर ये नो लोड करंट यहां पे इस तरीके से फ्लो करेगी, ये बहने वाली नो लोड करंट यहां पर एक फ्लक्स सेटअप करेगी। हम सबको पता है कि जब हमारे एनएच टर्न से नो लोड करंट फ्लो करेगी तो वो एक फ्लक्स सेटअप करेगी, जो फ्लक्स वो सेटअप करेगी उसको अगर हम यहां पे समझे तो वो कैसा होगा, चूंकि ये एसी सोर्स है तो जो करंट होगी वो एसी नेचर की होगी, तो जहां ये फ्लक्स सेटअप करेगी इस कोर में वो भी एसी नेचर का होगा। अगर इंस्टेंटेनियस देखा जाए एक इंस्टेंट पे एसी नेचर का होगा, यहां तक आपको समझ में आया, अगर एक इंस्टेंट पे देखा जाए तो उस इंस्टेंट पे राइट हैंड कर्ल रूल से अगर कर्ल की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो थंब की डायरेक्शन में फ्लक्स आएगा, तो आपने कहा सर ये इस डायरेक्शन में ऐसे एक फ्लक्स सेटअप करेगी, उसे मैं फाई नाम दे देता हूं। ये जो फ्लक्स फाई है वो किसके प्रपोर्शनल होगा, तो आपने कहा सर एनएच इंटू आई नॉट के प्रपोर्शनल ये फ्लक्स आएगा। ठीक है, अब यहां पे ये फ्लक्स आ गया, जब ये फ्लक्स आ गया तो ये फ्लक्स किस नेचर का है, आपने कहा सर ये फ्लक्स हमारा एसी नेचर का है, तो इस एसी नेचर के फ्लक्स की वजह से डी फाइव बाय डी टी होगा और डी फाइव बाय डी टी होने की वजह से हमारा इंड्यूस डीएमएफ वीएल और हमारा इंड्यूस डीएमएफ यहां वीएच माइनस वीएल टोटल वीएच अपीयर होगा। अब मान लीजिए आप इसके अक्रॉस लोड लगाने वाले हैं, अगर आप लोड लगाएंगे तो लोड करंट फ्लो होगी, अगर लोड करंट फ्लो होगी तो आपने कहा सर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ पे लोड करंट फ्लो होगी और वो लोड करंट ऐसी फ्लो होगी जो इस फ्लक्स को क्या करेगी, अपोज करेगी, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी इस इंस्टेंट पे ऐसी होगी कि अगर लोड लगाया जाए तो बहने वाली करंट अपोज करेगी कॉस को। तो आपने कहा सर करंट हमारी कैसी फ्लो करेगी, इसको अपोज करने के लिए वाइंडिंग में करंट कैसी फ्लो होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होनी चाहिए। सो आपने कहा सर अगर लोड को करंट डिलीवर हो रही होगी आई एल, तो यहां पर जो करंट होगी उसको मैं आई डैश का नाम दे देता हूं, तो ये आई डैश करंट जो होगी वो एक फ्लक्स बनाएगी और वो इंस्टेंटेनियस फ्लक्स इस इंस्टेंटेनियस फ्लक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, इस फ्लक्स को मैं नाम दे देता हूं फाई टू। तो ये जो फाई टू आपका ये कॉस करेगी आई डैश, उसने एक करंट इस आई टू आई डैश करंट ने एक फ्लक्स कॉस किया और वो फ्लक्स अगर हम हर इंस्टेंट पे देखें तो वो ऐसा होगा, ये फ्लक्स फाई टू है जो कि किसके प्रपोर्शनल होगा, NH into NL into NL into आप कह सकते हो सर किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो NL into I dash के प्रोपोर्शनल होगा। अब आपने कहा सर ये NL into I dash के प्रोपोर्शनल जो फ्लक्स बनेगा, ये फ्लक्स इस इंस्टेंट पे इस वाले फ्लक्स को अपोज करता हुआ नजर आएगा, जिससे ओवरऑल मैग्नेटिक एनर्जी इस कोर में जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे होगे, तो जैसे ही ये डिक्रीज होगी इसको फिर से फिल करने के लिए अब करंट यहां पे क्या फ्लो होने लगेगी आई एच, और आई एच करंट यहां पे फ्लक्स बनाएगी फाई वन, जहां पे फाई वन क्या होगा, आपने कहा सर फाई वन फ्लक्स ये वाला होगा,
जो कि आपका नो लोड फ्लक्स को मेंटेन भी रखे और फाइव टू फ्लक्स को फेड भी करे। तो फाइव वन किसके प्रोपोर्शनल होगा? आपने कहा सर फाइव वन प्रोपोर्शनल होगा एनएच माइनस एनएल इंटू आई एच के, क्योंकि ये करंट सिर्फ इतनी दूरी बहेगी। अब यहां आई डैश करंट है, ये आई एल है, यहां करंट आई एच बह रही है, तो आई डैश होगी कितनी? आपने कहा सर आई डैश की अगर हम बात करें तो आई डैश करंट होगी कितनी? आई एल माइनस आई एच होगी, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट पे केसीएल लगाएं तो यहां से करंट कितनी आ रही है? आई एच आ रही है, और यहां पे करंट कितनी जा रही है? आई एल जा रही है, तो यहां पे करंट कितनी जा रही होगी? आई एल माइनस आई एच, यानी किसके प्रोपोर्शनल हो गया ये आपका प्रोपोर्शनल है एन एल आई एल माइनस आई एच के प्रोपोर्शनल होगा। क्या मेरी बात को समझ पाए? तो ये जो करंट की डायरेक्शन है वो आईएच की डायरेक्शन के ऑपोजिट दिखाने के पीछे कारण यही है कि ये दिखा सके कि मैग्नेटिक एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर हो रही है, मैग्नेटिक एनर्जी किस तरह से बैलेंस होके एक साइड से दूसरे साइड में ट्रांसफर हो रही है। मैंने किसी एक इंस्टेंट पे आपको दिखाने की कोशिश की है सारे फ्लक्सेस को, T इज इक्वल टू टी नॉट। अगर हर इंस्टेंट पे देखा जाए तो हमारा फ्लक्सेस ऐसा दिखाई देगा। तो आज हम ये बात को समझ पाए हैं कि अगर आई एच को हम इधर दिखा रहे हैं तो आई एल माइनस आई एच को हम ऊपर क्यों दिखा रहे हैं? हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये जो एम एम एफ कॉज करेगा वो उतना ही एम एम एफ होगा जितना ये डिमांड करेगा, प्लस नो लोड में एम एम एफ की रिक्वायरमेंट होगी। क्या मेरी बात यहां तक आपको समझ में आई? प्रैक्टिकल आपको मैंने ऑटो ट्रांसफॉर्मर के बारे में समझाने का प्रयास किया, जरा ध्यान दीजिएगा। आपने कहा सर अगर हम यहां पर देखें तो हर समय कोर में फ्लक्स क्या है? आपने कहा सर हर समय कोर में फ्लक्स क्या है? फाई है, जो कि किसके प्रोपोर्शनल है? आपने कहा सर फाई वन माइनस फाई टू के प्रोपोर्शनल है, या आप कह सकते हो एमएमएफ है, और वो एमएमएफ किसके प्रोपोर्शनल है? फाई वन माइनस फाई टू के प्रोपोर्शनल एमएमएफ है। तो आपने कहा सर अगर हम एमएमएफ को देखते हैं तो यहां पे हर समय जो फ्लक्स बना हुआ है वो क्या बना हुआ है? आपने बोला सर ये वाला फ्लक्स फाई बना हुआ है। अगर ये वाला फ्लक्स फाई बना हुआ है तो इसी फ्लक्स की वजह से यहां भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और इसी फ्लक्स की वजह से यहां भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो आप कह सकते हो सर फॉर कॉमन फ्लक्स, अगर फ्लक्स कॉमन है तो फॉर कॉमन फ्लक्स, हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन में हमने देखा था कि कॉमन फ्लक्स के लिए हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न क्या होगा? मस्ट बी सेम। फॉर कॉमन फ्लक्स ईएमएफ पर टर्न मस्ट बी सेम, फॉर कॉमन फ्लक्स ईएमएफ पर टर्न मस्ट बी सेम। मैंने ये बात कहां से कही? इंड्यूस्ड ईएमएफ के एक्सप्रेशन से ही कही है, अंडर रूट टू पाई एफ फाई एम इंटू एन होता है। यहां से आपने कहा है ई बाय एन रेशियो जो होगा वो प्रोपोर्शनल है फाई एम के। तो अगर आपका मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्लक्स कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ईएमएफ पर टर्न आपका क्या होने वाला है? सेम होने वाला है, क्योंकि ईएमएफ पर टर्न किसके प्रोपोर्शनल है? ऑपरेटिंग फ्लक्स के। तो आपने कहा सर ईएमएफ पर टर्न दोनों के लिए फ्लक्स सेम है, म्यूचुअल फ्लक्स, इसलिए आपका ईएमएफ पर टर्न सेम होगा। ईएमएफ पर टर्न सेम होने का मतलब हुआ वीएच बाय एनएच, यानी टोटल वोल्टेज वीएच विच अपीयर्स अक्रॉस द टर्न एनएच इज इक्वल टू वीएल बाय एनएल। तो यहां से आप कह सकते हो सर वीएच बाय एनएच इज इक्वल टू वीएल बाय एनएल, और यहां से आप कह सकते हो सर वीएच बाय वीएल इज इक्वल टू एनएच बाय एनएल, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल ए ऑटो, दैट इज टर्न रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ओके, आपने कहा सर यहां से हम इसे कह सकते हैं दिस इज योर टर्न रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर। आपने कहा सर ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लिए आपने ए ऑटो अलग से क्यों लिखा? कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ इसलिए लिखा ताकि मैं जब टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर को ऑटो ट्रांसफॉर्मर से कंपेयर करूं तो आपको टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का टर्न रेशियो और ऑटो ट्रांसफॉर्मर का टर्न रेशियो अलग अलग नजर आए, बस इसके लिए मैंने ये बात लिखी है। यहां तक मेरी बात क्लियर है? सो ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लिए हाई वोल्टेज बाय लो वोल्टेज इज एनएच बाय एनएल इज इक्वल टू ए ऑटो। मेरी एक छोटी सी एडवाइस भी है कि आप हमेशा ए ऑटो को वन से बड़ा लिखिए, यानी हमेशा आप एनएच बाय एनएल लिखिए इंस्टेड ऑफ एनएल बाय एनएच के। आपके बुक में कई जगह के टर्म में दिया है और के ऑटो को वन VL by VH define किया, बट मैं चाहूंगा कि आप हमेशा इसे define करें VH by VL, यानी एक से बड़ा define करें। तो A auto हमारे लिए auto transformer के लिए हमेशा A auto हम क्या रखेंगे? 1 या 1 से
बड़ा, वन से छोटा ए ऑटो हम नहीं डिफाइन करेंगे, हम हमेशा कहेंगे ए ऑटो इज मोर देन वन। बट अपने दिमाग में रखेंगे कि अगर ए ऑटो लेस देन वन है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वी एल बाई वी एच दिया है इंस्टेड ऑफ वी एच बाई वी एल। ओके प्लीज ऑब्जर्व करिएगा, हमने कहा वी एच बाई वी एल हमारे पास क्या आ गया, ए ऑटो। नाउ प्लीज ऑब्जर्व, अगर हम यहां पे एमएमएफ बैलेंस देखें तो फ्रॉम एमएमएफ बैलेंस, अगर हम यहां पे एमएमएफ बैलेंस को ध्यान से देखें तो एमएमएफ बैलेंस क्या हो रहा, आपने कहा सर यहां पर जो हमारा एमएमएफ है वो जितना एमएमएफ, अगर हम नो लोड को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ऑन इग्नोरिंग आई नॉट, सो अगर इग्नोर कर दें आई नॉट को तो आप बोलोगे सर अगर आई नॉट को इग्नोर कर दें तो जितना एमएमएफ ये एनएल एनएल आईएल माइनस आईएच होगा उतना ही एमएमएफ क्या होगा एनएच माइनस एनएल आईएच होगा। यानी आप यहां से कह सकते हो सर हमारे पास जो एमएमएफ आएगा वो एनएच माइनस एनएल आईएच जितना होगा वो इक्वल होगा किसके, एनएल आई एल माइनस आई एच के। मैं कह सकता हूं अगर यहां पे नो लोड को मैंने निग्लेक्ट ना किया होता और कंसीडर आउट किया होता तो यहां मैं और प्लस कर देता, क्या प्लस कर देता, एनएच आई नॉट भी प्लस कर दिया होता। यहां तक मेरी बात क्लियर है? तो आपने कहा सर यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि अगर हमने आई नॉट को इग्नोर किया, यानी अगर हमने इस ब्लू वाली लाइन को इग्नोर किया तो ये ग्रीन वाली लाइन और रेड वाली लाइन बराबर होगी, और अगर आप इस ब्लू वाली लाइन को भी कंसीडर आउट करते हो तो उस केस में आपको यहां पे क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस ऑफ एन एच आई नॉट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो जरा ध्यान दीजिएगा, या मैं लिख देता हूं, या मैं लिख देता हूं ज्यादा अच्छा है, मैं यहां पर लिख सकता हूं एन एच आई नॉट। अब फर्दर मैं यहां से कैलकुलेशन को आसान करते हुए मैं लिख देता हूं ऑन इग्नोरिंग आई नॉट दैट इज नो लोड करंट, ऑन इग्नोरिंग नो लोड करंट वी हैव एन एच माइनस एन एल आई एच इज इक्वल्स टू एन एल आई एल माइनस आई एच। व्हेन आई एम इग्नोरिंग आई नॉट ना इट मींस आई एम कंसिडरिंग द ट्रांसफॉर्मर टू बी अ आइडियल ट्रांसफॉर्मर, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर को भी मैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर की तरफ अप्रोच करते हुए अपनी एनालिसिस को आगे ले जा रहा हूं। यहां से आपने कहा सर ये हो जाएगा एन एच आई एच माइनस ऑफ एन एल आई एच इज इक्वल टू एन एल आई एल माइनस ऑफ एन एल आई एच, सो दिस एन एल आई एच एंड एन एल आई एच विल कैंसल आउट एंड वी कैन रिप्रेजेंट इट एज एन एच बाय एन एल इज इक्वल टू आई एल बाय IH. So only for the ideal, when I am saying I naught is ignored, it means only for the ideal you can say NH by NL is directly equals to IL by IH. So यहां से आप हमसे कह सकते हो सर इसका मतलब for ideal auto transformer, for ideal auto transformer we can define VH by VL is equals to NH by NL is equals to A ऑटो इज इक्वल्स टू आई एल बाई आई एच। क्या मैं ये डिफाइन कर सकता हूं? बहुत बढ़िया, सो ये हमारे लिए हो गया फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर वी एच बाई वी एल इज इक्वल्स टू एन एच बाई एन एल इज इक्वल्स टू ए ऑटो दैट इज आई एल बाई आई एच, दिस इज ट्रू फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। बहुत बढ़िया, आपने कहा सर हमारे पास यहां से क्या ये भी कह सकते हैं इसे देख के कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में वी एच आई एच किसके बराबर होता है, वी एल आई एल, यानी के वी ए ऑन एच वी साइड ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल टू के वी ए ऑन एल वी साइड ऑफ आइडियल ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ओके सो यहां पे हमने ये बात भी कंक्लूड कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर अगर हमारे पास टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है और ये टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के जैसे ही आपने ऑटो ट्रांसफॉर्मर को कनेक्ट किया है तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का कोई ना कोई एडवांटेज होगा। हाँ जी, बहुत सारे एडवांटेज होंगे, और साथ ही साथ अभी भी हम टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं इसका मतलब ऑटो ट्रांसफॉर्मर का कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। हाँ जी, बहुत सारे होंगे, हम दोनों पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो आप कहेंगे सर अगर सेम रेटिंग का मुझे टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर बनाना होता तो जो टोटल टर्न्स चाहिए होते वो एनएच अलग और एनएल अलग, जबकि यहां पर अगर हम देखें
तो जो टोटल टर्न्स चाहिए वो सिर्फ NH चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉपर की बचत हो रही है। बिल्कुल, अगर सेम रेटिंग का आप टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि कॉपर में हमारे सेविंग हो रही है। साथ ही साथ आपने कहा सर कॉपर की सेविंग हो रही है, क्या कोर की सेविंग हो रही है? नहीं, ये बात डायरेक्ट आप नहीं कह सकते, कोर की सेविंग हम दूसरे वे में देखेंगे। अभी तो फिलहाल मैंने जब आपसे कहा कि सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम रेटिंग के लिए आप बना रहे हैं, और जब आप सेम रेटिंग के लिए बना रहे हैं तो सेम मैक्सिमम फ्लक्स की बात भी हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कोर की सेविंग नहीं है, कॉपर की सेविंग जरूर हो रही है, और कॉपर की सेविंग होने का मतलब हुआ कि आई स्क्वायर आर लॉस घटेगा, और अगर आई स्क्वायर आर लॉस घटेगा इसका मतलब इफिशियंसी बढ़ जाएगी। तो आपने ये पाया कि ऑटो ट्रांसफार्मर अगर हम यूज कर रहे हैं तो कॉपर की सेविंग हो रही है, और कॉपर की सेविंग होने का मतलब हमारी इफिशियंसी बढ़ सकती है। तो आइए हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि हमारी कॉपर की कितने परसेंटेज की सेविंग होगी। तो मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूं, परसेंटेज सेविंग इन कॉपर मटेरियल इन ऑटो ट्रांसफार्मर, परसेंटेज सेविंग इन कॉपर मटेरियल इन ऑटो ट्रांसफार्मर कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर व्हेन सेम अमाउंट ऑफ व्हेन सेम रेटिंग कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, यहां पे मैं इसको और आगे इनहेंस कर रहा हूं, ऑफ सेम रेटिंग। जाहिर सी बात है अगर हम कुछ परसेंटेज सेविंग की बात कर रहे हैं तो तभी हम कंपेयर कर सकते हैं जब दोनों की रेटिंग क्या हो, सेम हो। तो मैं एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, एक ऑटो ट्रांसफार्मर, जिन दोनों की रेटिंग सेम है, हर रिस्पेक्ट में रेटिंग सेम है, उनका कंपैरिजन परफॉर्म करना चाहता हूं। तो आपने कहा सर हमारे पास ये एक ऑटो ट्रांसफार्मर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है सपोज करिए, तो अगर हमारे पास ये एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है तो इस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में आप कह सकते हो सर हमारे पास वोल्टेज VH मिल रहा है। जब मैं कंपेयर कर रहा हूं रेटिंग तो इसका मतलब मैं सेम टाइप ऑफ कोर मटेरियल को लेके आगे बढ़ रहा हूं। अगर सेम टाइप का कोर मटेरियल है तो इसका मतलब EMF पर टर्न सेम होगा, क्योंकि अगर सेम टाइप का कोर मटेरियल है तो ऑपरेटिंग फ्लक्स सेम होगा, और सेम ऑपरेटिंग फ्लक्स के लिए E/N रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो आपने कहा सर चूंकि फ्लक्स कॉमन होगा इसका मतलब EMF पर टर्न सेम होगा, तो ये VH आपका NH के अक्रॉस लगा रखा है और NL के अक्रॉस मैंने लगा रखा है VL वोल्टेज। यानी आपने कहा सर चूंकि सेम कोर मटेरियल है इसलिए वोल्टेज आपका EMF पर टर्न सेम होगा, और अगर EMF पर टर्न सेम है तो आप कह सकते हो सर जितने टर्न्स के अक्रॉस यानी एक टर्न के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो चाहे ऑटो ट्रांसफार्मर में देखा जाए या टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर देखा जाए दोनों में सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये VH by NH VL by NL के बराबर टू वाइंडिंग में भी होगा, और VH by NH VL by NL के बराबर ऑटो ट्रांसफार्मर में भी होगा। तो यहां पे मैं ऑटो ट्रांसफार्मर की भी बात कर लेता हूं ऑफ सेम रेटिंग। आपने कहा सर ये हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर है, और इस ऑटो ट्रांसफार्मर में ये मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं, हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर है और ऑटो ट्रांसफार्मर में मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं आपका इनपुट और आउटपुट। बड़ा ध्यान से देखिएगा, आपने कहा सर ये टोटल टर्न्स कितने हैं, तो टोटल टर्न्स NH ही होने चाहिए अगर सेम कोर मटेरियल यूज किया गया है। तो आपने कहा सर सेम कोर मटेरियल है तो NH टर्न्स के अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगा, VH, क्योंकि EMF पर टर्न आपका पूरे कोर पे क्या है, सेम है। आपने कहा सर यहां पे वोल्टेज क्या आएगा, तो यहां के टर्न्स कितने हैं, NL होने चाहिए अगर सेम वोल्टेज रेटिंग चाहिए। तो आपने कहा सर इन दोनों की वोल्टेज रेटिंग क्या हो गई, सेम। अगर वोल्टेज रेटिंग के साथ साथ KVA रेटिंग की बात करूं तो KVA रेटिंग क्या होगा, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए KVA रेटिंग क्या होगा, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए KVA रेटिंग होगा हाई वोल्टेज साइड वोल्टेज इंटू हाई वोल्टेज साइड करंट। मैं ये मान लेता हूं कि मैक्सिमम करंट जो यहां पे फ्लो हो सकती है वो निर्भर करती है थिकनेस ऑफ वायर, थिकनेस ऑफ दिस वायर, और थिकनेस ऑफ NH वायर इज से सच दैट इट कैन मैक्सिमम हैंडल अ करंट ऑफ IH। सिमिलरली यहां पे जो करंट बह सकती है वो निर्भर करता है कि ये कितना थिक होगा, और मैं मान लेता हूं यहां पे मैक्सिमम करंट जो बह सकती है वो बह सकती है IL। सो आपने कहा सर ये हमारा हो जाएगा, ये मैं इसको I1 कह देता हूं इंस्टेड ऑफ IH,
और मैं इसे I2 कह देता हूं इंस्टेड ऑफ IL। सो आप बोलोगे सर VH इंटू I1, या आप कह सकते हो सर VL इंटू I2। ये हमारा क्या हो गया, KVA रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो अगर ये KVA रेटिंग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का है, ये KVA रेटिंग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का है, मैं IH कह देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। सो ये KVA रेटिंग हो गया आपका टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का। आपने कहा सर सेम रेटिंग का ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है, तो सेम रेटिंग का ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है इसका मतलब केवीए रेटिंग सेम होने के लिए यहां पे करंट IH होनी चाहिए और यहां पे करंट IL होनी चाहिए। तो आप ऑटो ट्रांसफार्मर का भी केवीए रेटिंग क्या कहोगे, VHIH यानी हाई वोल्टेज साइड वोल्टेज इंटू हाई वोल्टेज साइड करंट, या लो वोल्टेज साइड वोल्टेज इंटू लो वोल्टेज साइड करंट। सो अब क्या ये सेम वोल्टेज रेटिंग और सेम केवीए रेटिंग का है, बिल्कुल, ये सेम वोल्टेज रेटिंग और सेम केवीए रेटिंग के दो ट्रांसफार्मर मैंने बना रखे हैं, ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बना रखा है और ये ऑटो ट्रांसफार्मर बना रखा है। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां करंट कितनी जाएगी, ये वाला पॉइंट चूंकि आपका कनेक्टेड है इलेक्ट्रिकली तो यहां KCL सेटिस्फाई करना चाहिए, और KCL सेटिस्फाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, IL माइनस IH। अब आपने कहा सर अगर हम बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर वेट किस पे निर्भर करता है, कॉपर वेट किस पे निर्भर करता है। आपने कहा सर अगर हम बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर वेट इज प्रोपोर्शनल और इट इज इक्वल टू, कॉपर वेट इज इक्वल टू कॉपर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ कॉपर। ओके, डेंसिटी ऑफ कॉपर इज फिक्स, नो वन कैन चेंज द डेंसिटी ऑफ कॉपर। सो इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर वेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉपर वॉल्यूम, मैं कह सकता हूं, प्लीज ऑब्जर्व करिएगा, कॉपर वेट इज इक्वल्स टू कॉपर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ कॉपर। एंड व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कॉपर, वॉल्यूम ऑफ कॉपर इज द टोटल लेंथ ऑफ द वायर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। इसका मतलब मैं कह सकता हूं सर कि कॉपर का जो वॉल्यूम है यानी टोटल मटेरियल ऑफ कॉपर निर्भर करेगा कॉपर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी, और वो निर्भर करेगा हमारे कॉपर की लेंथ पर भी। तो कॉपर वेट क्या है, कॉपर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और कॉपर वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आपने कहा सर कॉपर वॉल्यूम को आप लिख सकते हो कॉपर वेट इज इक्वल्स टू कॉपर, या आप कह सकते हो लेंथ ऑफ वायर, वाइंडिंग वायर, यस लेंथ ऑफ वाइंडिंग वायर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वाइंडिंग वायर इनटू डेंसिटी, कह सकता हूं मैं। सो ये आपने कहा सर कॉपर वेट इज इक्वल्स टू कॉपर वॉल्यूम इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर एंड डेंसिटी। सो कॉपर डेंसिटी इज कांस्टेंट, इसका मतलब आप कह सकते हो सर कॉपर वेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, कॉपर वेट प्रोपोर्शनल होगा कॉपर वॉल्यूम के, और आप कह सकते हो लेंथ ऑफ वायर इनटू डेंसिटी, लेंथ ऑफ वायर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। अच्छा, लेंथ ऑफ वायर किस पर निर्भर करता है, लेंथ ऑफ वायर निर्भर करेगा कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, हमने कितने नंबर ऑफ टर्न्स दिए इस पे लेंथ ऑफ वायर निर्भर करेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर किस पे निर्भर करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर निर्भर करेगा कितनी करंट रेटिंग है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर इज प्रोपोर्शनल टू करंट व्हाइल लेंथ ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहां से हम कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कॉपर वेट किसके इक्वल होगा, कॉपर वेट प्रोपोर्शनल होगा एनआई प्रोडक्ट के, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं और टोटल हमारी करंट कितनी है। अब अगर हम बात करते हैं कॉपर वेट की, तो कॉपर वेट हमारे पास जो आएगा वो आप कह सकते हो सर ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉपर वेट अपॉन कॉपर वेट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज इक्वल्स टू टोटल एनआई ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, टोटल एनआई ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर अपॉन टोटल एनआई ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, कह सकता हूं मैं। सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द टर्न्स ऑफ टू वाइंडिंग एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द टर्न्स ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। टोटल एनआई ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज, आपने कहा सर टोटल एनआई क्या था हमारे पास, हमारे पास था NH माइनस NL, और इतने टर्न्स में करंट कितनी बह रही थी,
IH. आपने कहा सर ये जो हमारे पास टर्न्स हैं ये कितने हैं, ये टर्न्स हमारे पास हैं NH माइनस NL और इन टर्न्स में हमारी करंट क्या फ्लो हो रही है IH, यानी इस वाले वायर की थिकनेस इस वाली करंट पर निर्भर करेगी और इतने पोर्शन के वायर का लेंथ NH माइनस NL होगा। सिमिलरली इस वाले वायर की थिकनेस इस करंट पर निर्भर करेगी IL माइनस IH और इतने टर्न्स आपके होंगे NL। तो आपने कहा सर इसके लिए आपका हो जाएगा प्लस ऑफ NL IL माइनस IH, दिस इज द टोटल NI इन केस ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर, वाइल टोटल NI इन केस ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। ये हमारे पास जो वायर है इसकी थिकनेस किस पर निर्भर करेगी IH पे और इसके नंबर ऑफ टर्न्स पे जो है आप नंबर ऑफ टर्न्स आपका लेंथ निर्भर करेगा, इस वायर का लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स पे और थिकनेस IL पे। तो टोटल NI क्या आ जाएगा, आपने कहा सर यहां पे टोटल NI आ जाएगा NHIH प्लस ऑफ NL IL। अब फॉर बोथ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर एज वेल एज ऑटो ट्रांसफॉर्मर फॉर अ सेम टाइप ऑफ कोर मटेरियल नो लोड करंट विल रिमेन सेम, सो यू कैन से सर फ्रॉम MMF बैलेंस इन बोथ द ट्रांसफॉर्मर टू वाइंडिंग एज वेल एज ऑटो ट्रांसफॉर्मर इफ द कोर इज ऑफ सेम मटेरियल बिकॉज वी आर यूजिंग सेम टाइप ऑफ कोर फॉर बोथ, सो यू कैन से सर ऑन इग्नोरिंग नो लोड करंट NHIH is equals to NL IL। अगर हम बात कर रहे हैं टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर या ऑटो ट्रांसफॉर्मर की तो दोनों ही के केस में ये बराबर होगा, और अगर ये बराबर होगा तो इस हिसाब से आपने कहा सर आप इन दोनों ही केसेस में अगर I नॉट को निगलेक्ट कर दें तो आपका जो ये देखने को मिलेगा वो MMF बैलेंस चाहे टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर हो या ऑटो ट्रांसफॉर्मर हो दोनों में ही NHIH इज इक्वल टू NL IL। हमने टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में आपको पहले शो किया था कि NHIH NHIL के बराबर होगा और ऑटो ट्रांसफॉर्मर में मैंने ये चीज यहाँ पे प्रूफ की थी। देखिएगा हमने यहां देखा MMF बैलेंस NHIH इज इक्वल टू NLIL, सो यहां से आप कह सकते हो सर कॉपर वेट ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर टू कॉपर वेट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, कॉपर वेट ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर टू कॉपर वेट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल टू आप NHIH इज इक्वल टू NLIL कह सकते हैं, तो यहां से NHIH और NLIL को आप ट्वाइस ऑफ NHIH कह सकते हैं माइनस ऑफ NLIL और NLIH और NLIH को आप ट्वाइस ऑफ NLIH लिख सकते हैं एंड आप यहां से कह सकते हो सर ट्वाइस ऑफ NHIH ये प्रोडक्ट है, सो ये आपने कहा सर ट्वाइस ऑफ NHIH। सो यहां से अगर हम देखते हैं तो आप 2 और IH कॉमन ले सकते हो, कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन बच जाएगा NH माइनस NL अपॉन NH, जो कि आप फर्दर लिख सकते हो सर 1 माइनस NL बाय NH। अब अगर मैं NH बाय NL ए ऑटो डिफाइन किया हूं तो मैं कह सकता हूं कि कॉपर वेट कितना हो जाएगा, अगर मैंने NH by NL को A auto define किया है जैसा मैंने आपसे कहा था कि keep A auto greater than 1, तो अगर मैं NL by NH को A auto define किया हूं तो A auto आपका defined है NH by NL और इस वजह से आप कह सकते हो सर हम यहां पर लिख सकते हैं copper weight of auto transformer is equals to 1 माइनस 1 बाय ए ऑटो टाइम्स ऑफ कॉपर वेट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। देखने में ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एनएल टर्न्स नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ एनएल टर्न्स नहीं है, एनएल टर्न्स नहीं चाहिए और एनएच टर्न्स में भी आपका जो एनएल टर्न्स का थिकनेस चाहिए वो अलग है और एनएच माइनस एनएल टर्न्स का थिकनेस अलग है, इस वजह से आपका जो कॉपर वेट है ऑटो ट्रांसफॉर्मर का वो आप कह सकते हो सर ए ऑटो माइनस 1 अपॉन ए ऑटो कह सकते हो, दिस विल बी द कॉपर वेट ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर कंपेयर टू कॉपर वेट ऑफ टू वाइंडिंग
transformer. So if we know about the copper weight of two winding transformer, we can find the copper weight of auto transformer. Please observe. आपने कहा सर ए ऑटो वन से बड़ा है, तो वन ए ऑटो माइनस वन अपॉन ए ऑटो, दिस टर्म मस्ट बी लेस देन वन, और अगर ये वन से छोटा है इसका मतलब आप देख पा रहे हो कि कॉपर वेट ऑटो ट्रांसफॉर्मर में टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के कंपेरेटिवली कम रिक्वायर्ड है. कितना परसेंट सेविंग हुआ इसकी बात अगर हम करें तो परसेंटेज सेविंग इन कॉपर मटेरियल, परसेंटेज सेविंग इन कॉपर मटेरियल कितना हो जाएगा. आपने कहा सर कॉपर वेट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर माइनस कॉपर वेट ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर अपॉन कॉपर वेट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इनटू 100 इज द परसेंटेज सेविंग इन कॉपर मटेरियल. सो आपने कहा सर कॉपर के मटेरियल में कितनी सेविंग होगी, ये चीज समझने के लिए हम लोग टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के कितने परसेंट ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कम चाहिए इस बात को समझते हैं. यहां से आपने कहा सर कॉपर वेट ऑफ टू वाइंडिंग बाय कॉपर वेट ऑफ टू वाइंडिंग वन माइनस कॉपर वेट ऑफ ऑटो बाय कॉपर वेट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर लिख सकता हूं. सो अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कॉपर वेट ऑफ ऑटो बाय कॉपर वेट ऑफ टू वाइंडिंग क्या होता है, 1 माइनस 1 बाय ए ऑटो. सो परसेंटेज सेविंग इन कॉपर मटेरियल विल बिकम परसेंटेज सेविंग इन कॉपर मटेरियल विल बिकम इक्वल्स टू, हाँ जी, 1 माइनस 1 बाय ए ऑटो इनटू 100 एंड सो दिस विल बिकम 1 बाय ए ऑटो. So, it means whatever will be the turn ratio, accordingly we can find the percentage saving in copper material. जैसे मान लीजिए मेरे पास एक two winding transformer है 200 volt by 100 volt का. अगर मेरे पास two winding transformer है 200 volt by 100 volt का और अगर same rating का auto transformer बनाऊं मतलब 200 volt by 100 volt का, तो मेरी percentage saving क्या हो जाएगी. ए ऑटो डिफाइंड हो जाएगा 200 बाय 100 यानी 2, और अगर ए ऑटो 2 है तो 1 बाय 2 मतलब परसेंटेज सेविंग इन कॉपर मटेरियल कितना हो गया, 50% ऑफ द कॉपर इज गोइंग टू बी सेव्ड, यानी 50% हमारे कॉपर की बचत हो जाएगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे कही है कि अगर आपको टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर दिया हुआ है और आपसे कहता है कि कॉपर की सेविंग बताइए जब इसी रेटिंग का ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाया जाएगा, तो आपने क्या करना है, बस वही वोल्टेज रेटिंग आपने 1/VH/VL रख देना है एंड दैट विल बिकम द परसेंटेज सेविंग. सो ग्रेट परसेंटेज सेविंग इन कॉपर मटेरियल इफ वी कंस्ट्रक्ट ऑटो ट्रांसफॉर्मर इंस्टेड ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर. बट देयर विल बी अ डिफिकल्टी ऑल्सो विच वी डील विद द ऑटो ट्रांसफॉर्मर, दैट इज द लैक ऑफ इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन. तो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन का जो हमें नहीं मिल पा रहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे कई तरह के डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस में. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन नहीं है, लेकिन हाँ बचत बहुत ज्यादा है. आप कह सकते हो सर जितना ज्यादा रेटिंग का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हमारा बचत होगा. यहां तक मेरी बात क्लियर है. आपने कहा सर जैसे जैसे ए ऑटो हमारा बड़ा होता जाएगा वन से, वैसे वैसे परसेंटेज सेविंग भी हमें दिखने स्टार्ट हो गए. नाउ प्लीज ऑब्जर्व, अगर हम बात करें टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर और ऑटो ट्रांसफॉर्मर की, तो हमने अभी समझा परसेंटेज सेविंग इन कॉपर मटेरियल इन एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर. एक और एडवांटेज होता है, अगर मान लीजिए हम सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज करते हैं, अगर हम सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज करें और फिर हम कंपेयर करें एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर को एक टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से, तो हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ सकते हैं तो और हमें थोड़ा एडवांटेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर का खुल के सामने आएगा. तो आइए मैं बात करता हूं सबसे पहले परसेंटेज, अगर मैं बात करता हूं आपसे कि कितना आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर दे रहा है कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, तो आइए मैं बात करता हूं आपसे कि सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज करने पे ऑटो ट्रांसफॉर्मर और टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में क्या डिफरेंस आ रहा है. देखिएगा जरा ध्यान से, मैं बात करता हूं इंडक्टिव और कंडक्टिव ट्रांसफर की. तो इंडक्टिवली पावर कितनी ट्रांसफर हो रही है यहां पर
और कंडक्टिवली कितनी पावर ट्रांसफर हो रही है इस पर जरा फोकस करिएगा। मैं थोड़ा सा बात करूंगा इंडक्टिव एंड कंडक्टिव पावर ट्रांसफर की। चूंकि यहाँ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है तो इसका मतलब यहाँ पे पावर सिर्फ इंडक्टिवली नहीं बल्कि कुछ कंडक्टिवली भी ट्रांसफर हो रही होगी। तो यहाँ पर मैं इसी चीज को समझने के लिए इंडक्टिव और कंडक्टिव ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ। अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था, यहाँ पर जो पावर ट्रांसफर हो रही थी वो कितनी हो रही थी? आपने कहा सर इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है? VH है मान लेते हैं, और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है? VL है, और यहां पे बहने वाली करंट कितनी है? आपने कहा सर IH है, और यहां पे बहने वाली करंट कितनी है? आपने कहा सर IL है। तो यहां पर जो भी पावर ट्रांसफर हो रही है दैट इज थ्रू द कंडक्टिव इंडक्टिव या ट्रांसफर ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मर एक्शन। और यही बात मैं जब टू वाइंडिंग ऑटो ट्रांसफार्मर की करता हूं तो ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए यहां का वोल्टेज हम ले लेते हैं VH, सेम वोल्टेज रेटिंग है और सेम करंट रेटिंग है, सब कुछ सेम है, तो आखिर कॉपर बच क्यों रहा है और कितना कॉपर बच रहा है इसी बात पे दोबारा हम आगे बढ़ रहे हैं। NH माइनस NL ये टर्न्स होंगे, अगर टोटल टर्न्स आपके NH हैं और यहाँ पे टर्न्स आपका NL है, सेम टाइप का कोर मटेरियल यूज कर रहा हूँ इसलिए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर में EMF पर टर्न क्या है? सेम है। ठीक है, आपने कहा सर अगर हम यहां पर बात करते हैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ में तो यहां पर टोटल ट्रांसफर क्या होगा? टोटल पावर ट्रांसफर इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज इक्वल्स टू यू कैन से VLIL इफ द सोर्स इज सप्लाइड फ्रॉम दिस साइड। अगर इस साइड में सोर्स है तो आपने कहा सर टोटल पावर ट्रांसफर क्या होगा? VLIL, सेम मैं यहां पर सोर्स मान लेता हूं, तो अगर यहां पर सोर्स है तो टोटल पावर ट्रांसफर क्या होगा ऑटो ट्रांसफार्मर में? टोटल पावर ट्रांसफर इन ऑटो ट्रांसफार्मर, तो टोटल पावर ट्रांसफर इन ऑटो ट्रांसफार्मर आपको कितना मिलेगा? आपने कहा सर यहां पर अगर टोटल पावर ट्रांसफर इन ऑटो ट्रांसफार्मर देखा जाए तो वो भी है VLIL। यहां पर अगर हम कहें तो टोटल पावर कैसे ट्रांसफर हुई? ट्रांसफर ड्यू टू मैग्नेटिक एक्शन, सो यू कैन से द टोटल पावर ट्रांसफर ड्यू टू मैग्नेटिक एक्शन, और यू कैन से इंडक्टिव ट्रांसफर, द टोटल पावर ट्रांसफर ड्यू टू मैग्नेटिक एक्शन और यू कैन से इंडक्टिव ट्रांसफर, एंड दैट इज इक्वल्स टू VLIL. So VL is the voltage across the winding and IL is the current flowing through the winding. If we go with this, then what is the inductive power transfer from LV side? You can say, sir, if this is IL, then this current is IL minus of IH. तो आपने कहा सर अगर यहां पर देखें तो वोल्टेज अक्रॉस वाइंडिंग NL क्या है? VL, और करंट जो NL टर्न से फ्लो हो रही है वो IL minus IH. तो आप यहां से कह सकते हो सर कि यहां पे इंडक्टिव पावर ट्रांसफर क्या हो जाएगी? इंडक्टिव पावर ट्रांसफर हो जाएगी वोल्टेज अक्रॉस द वाइंडिंग इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू द वाइंडिंग, वोल्टेज अक्रॉस द वाइंडिंग इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू द वाइंडिंग। चूंकि ईएमएफ पर टर्न सेम है तो वोल्टेज अक्रॉस दिस एबी क्या आएगा? सेम आएगा, दिस वोल्टेज अक्रॉस एबी वीएच माइनस वीएल होगा। तो आपने कहा सर क्या मैं VLIH को VLIL को ऐसा लिख सकता हूं दैट VL IL minus IH, where IL minus IH is representing current through NL turns and VL is the voltage across NL turns. तो इसके बाद इसमें कितना और जोड़ दूं तो VLIL आ जाएगा? आपने कहा सर इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा प्लस ऑफ, हाँ जी बोलिएगा, VLIH। आपने कहा सर अगर हम इसमें VLIH ऐड कर दें तो ये हमारा टोटल पावर ट्रांसफर हो जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में जो ये VLIL टोटल पावर ट्रांसफर हो रहा है उसको आपने दो पार्ट में रिप्रेजेंट किया। ध्यान से देखिएगा, टोटल पावर ट्रांसफर इज इक्वल्स टू
VL IL minus IH plus of VL IH, where this is the voltage across the turn into current flowing through those turn. So this is representing transfer due to transformer action. So you can say transfer due to transformer action, yani MMF ke dwara, ya aap ise keh sakte ho magnetic transfer, magnetic transfer, या आप इसे कह सकते हो इंडक्टिव ट्रांसफर. और जो रेस्ट पावर है भाई, बची हुई पावर कैसे ट्रांसफर हो गई, वैसे ही ट्रांसफर हो गई जैसे वायर से पावर ट्रांसफर होती है. तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की वजह से जो पावर ट्रांसफर हो गई, उस पावर को हमने नाम दिया कंडक्टिव ट्रांसफर और इलेक्ट्रिक ट्रांसफर. आप इसे कंडक्टिव ट्रांसफर या फिर डायरेक्ट इलेक्ट्रिक ट्रांसफर का नाम दे सकते हो, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक ट्रांसफर. तो यहां पे हमारी जो पावर ट्रांसफर हो रही है वो ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में दो तरह से पावर ट्रांसफर हो रही है, एक तो इस इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की वजह से और दूसरे इस मैग्नेटिक एक्शन की वजह से. जबकि यहां पे जो भी पावर ट्रांसफर हो रही थी वो मैग्नेटिक एक्शन की वजह से MMF बैलेंस होकर पावर ट्रांसफर हो रही थी. तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि रेशियो क्या होगा इंडक्टिव पावर टू टोटल पावर का, सो इंडक्टिव पावर ट्रांसफर टू टोटल पावर ट्रांसफर क्या हो जाएगा, टोटल पावर ट्रांसफर. इंडक्टिव पावर ट्रांसफर टू टोटल पावर ट्रांसफर आप कह सकते हो सर हो जाएगा VL IL माइनस IH अपॉन VL IL टोटल पावर. सो यू कैन से सर यहां से हम कह सकते हैं इसे दैट VL एंड VL विल कैंसल आउट एंड दिस विल बिकम 1 माइनस IH बाई IL, 1 माइनस IH बाई IL. अगर A ऑटो की बात की जाए तो हमने A ऑटो क्या डिफाइन किया था, चूंकि हमने A ऑटो डिफाइन किया था VH बाई VL या NH बाई NL या IL बाई IH, तो आप कह सकते हो सर यहां से आपका इंडक्टिव पावर ट्रांसफर कितना होगा, दैट इज पावर ट्रांसफर इन ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मर एक्शन और मैग्नेटिक पावर ट्रांसफर इसको हम बोलते हैं. सो इंडक्टिव ट्रांसफर कितना परसेंट होगा टोटल ट्रांसफर का, तो आपने कहा सर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए ऑटो माइनस 1 अपॉन ए ऑटो इंटू टोटल ट्रांसफर. सो दैट मच पोर्शन ऑफ द टोटल पावर ट्रांसफर इज द इंडक्टिव पावर ट्रांसफर. ओके, व्हाट अमाउंट इज द कंडक्टिवली पावर इज गोइंग टू बी ट्रांसफर. मैं इसमें भी इंटरेस्टेड हूं कि कंडक्टिवली कितना पावर ट्रांसफर होगा. केवीए कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इंडक्टिव ट्रांसफर क्या आया, ए ऑटो माइनस 1 अपॉन ए ऑटो इंटू टोटल ट्रांसफर. अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम कंडक्टिव ट्रांसफर की बात करें तो कंडक्टिव ट्रांसफर बाय टोटल ट्रांसफर क्या होगा, कंडक्टिव पावर ट्रांसफर यानी पावर ट्रांसफर ड्यू टू इलेक्ट्रिकल कनेक्शन अपॉन टोटल पावर ट्रांसफर इज इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू VL IH अपॉन VL IL. सो आपने कहा सर यहां से हम कैंसल आउट कर दें VL IL, तो ये हो जाएगा 1 बाय ए ऑटो. अब मेरी बात आपको समझ में अच्छे से आ गई कि सर कंडक्टिव पावर ट्रांसफर कितना हुआ, जितना पोर्शन ऑफ पावर कंडक्टिवली ट्रांसफर हो गया उस पोर्शन ऑफ पावर के लिए हमें कॉपर चाहिए ही नहीं था, और अगर कॉपर उस पोर्शन के लिए चाहिए नहीं था इसीलिए उतनी ही सेविंग हुई है हमारी कॉपर के मटेरियल में. सो ये हमारी कंडक्टिव ट्रांसफर टू टोटल ट्रांसफर अगर हम देखें तो इतना पोर्शन हमारा चूंकि डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की वजह से ट्रांसफर हो गया, इस वजह से हमारा इतना ही कॉपर में क्या हो गई, सेविंग आ गई. यहां तक मेरी बात क्लियर है. यू कैन ऑल्सो से सर टोटल पावर ट्रांसफर माइनस इंडक्टिव पावर ट्रांसफर इज अ कंडक्टिव पावर ट्रांसफर. यस ऑफ कोर्स यू कैन से कंडक्टिव पावर ट्रांसफर इज इक्वल्स टू टोटल ट्रांसफर
minus inductive transfer. So total power transfer minus inductive power transfer is the conductive power transfer. You can also say this. Both will give the same expression. Okay. अब मैं बात करता हूं KVA कैपेसिटी की. तो जब हम KVA कैपेसिटी की बात करने जा रहे हैं, मतलब मैं चाहता हूं दो ट्रांसफार्मर्स को कंपेयर करना, एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर. इन दोनों के लिए अगर मैंने सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज किया, यानी एग्जैक्टली सेम कॉस्ट यूज की, तो उस केस में हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का KVA हैंडलिंग कैपेसिटी कितना होगा कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर. ठीक है. सो मैं बात कर रहा हूं KVA कैपेसिटी ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑफ सेम टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर when same amount of when same amount of material is used when same amount of material is used. So KVA capacity of auto transformer compared to two winding transformer when same amount of material is being used. तो आपने कहा सर मान लेते हैं हमारे पास एक ऑटो ट्रांसफार्मर है और ये ऑटो ट्रांसफार्मर एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ही बनाया गया है. तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ही बनाया गया है, उस केस में आप ये मानोगे कि सर ये ऑटो ट्रांसफार्मर एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से बनाया गया है. अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से बनाया गया है तो इसका मतलब हुआ कि जो HV वाइंडिंग और LV वाइंडिंग और कोर हैं वो सब कुछ क्या है एग्जैक्टली सेम है. ये हमारे पास वो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है. ये मान लीजिए AB है और CD है. मैं सीरीज एडिटिव पोलैरिटी में इसको उठा के कनेक्ट किया हूं. मेरे चार टर्मिनल्स में से चार टर्मिनल्स बाहर निकले हुए थे ट्रांसफार्मर में, इनमें से कोई दो टर्मिनल्स को आपस में मैंने कनेक्ट कर दिया. आप ऐसे समझिए दो वायर्स को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया और मैंने इसे ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया. बाहर आने के बाद अंदर से ट्रांसफार्मर में मैंने कोई बदलाव नहीं किया, बाहर से ही इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कर दिया. तो आपने कहा सर इस समय ये आपका क्या बन जाएगा ए बी और ये आपका क्या बन जाएगा सी डी. यहां पे ए पे डॉट है और सी पे डॉट है तो अंदर का फंक्शन एग्जैक्टली सेम होगा. अगर आपने कहा सर ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एनएच है, मान लेते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर जब बनाया गया तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑन हाई वोल्टेज इज NH, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑन लो वोल्टेज इज NL और ये सीरीज एडिटिव पोलैरिटी में है. यहाँ पे वोल्टेज VL मान लेता हूँ और यहाँ पे वोल्टेज मैं VH मान लेता हूँ ऑटो ट्रांसफार्मर में. तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में यहाँ पे टर्न्स कितने होंगे NH माइनस NL. भाई बना ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ही है तो यहाँ वोल्टेज कितना होगा VH माइनस VL. चूंकि एडिटिव पोलैरिटी में है तो VH माइनस VL प्लस VL होगा, यानी ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये प्लस माइनस तो नेट वोल्टेज आपको VH मिलेगा. यहां पे जो AB के अक्रॉस टर्न है वो कितने हैं NH माइनस NL और AB के अक्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है VH माइनस VL. आपने कहा सर CD के अक्रॉस टर्न कितना है NL और CD के अक्रॉस वोल्टेज कितना मिल रहा है तो VL वोल्टेज मिल रहा है. अगर मान लीजिए हमारी करंट यहां पर जो मैक्सिमम करंट अलाउड है वो IH है और यहां मैक्सिमम करंट जो अलाउड है वो IL है, तो इसका मतलब AC वायर की थिकनेस ऐसी होगी जिसमें हम मैक्सिमम करंट कितनी बहा सकते हैं IH और BD वायर CD वायर की थिकनेस इतनी होगी कि इसमें हम मैक्सिमम करंट बहा सकते हैं IL माइनस IH. अगर यहां KCL लगाऊं तो इस हिसाब से यहां मैक्सिमम करंट बहा सकता हूं IL माइनस IH. बड़े ध्यान से देखिएगा करंट कैसे बहेगी, हमेशा ट्रांसफार्मर में एक साइड से एंटर करेगी दूसरी साइड से लीक करती दिखाई देगी. यहां पर भी आपने कहा सर ये करंट किधर बह रही है B टू C और D टू C और इधर करंट किधर बह रही है A टू B. तो यहां पे A टू B दिखाया हूं सेम डायरेक्शन सेम इंस्टेंट और यहां C टू D दिखाया हूं. आपने कहा सर
यहां पर हमारा सेम कोर है, सेम वाइंडिंग है, सब कुछ सेम है। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि सर ये पूरी तरह से सेम ही ट्रांसफॉर्मर है, बस आपने इस बी और सी को उठा के क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया। तो यहां से आप कहोगे सर सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल इज यूज। अब हम अगर इसकी केवीए कैपेसिटी को कंपेयर करें तो केवीए क्या होगा, अगर हम ऑटो ट्रांसफार्मर की केवीए की बात करें तो ऑटो ट्रांसफार्मर का केवीए क्या होगा। आपने कहा सर केवीए हो जाएगा या तो हाई वोल्टेज साइड वोल्टेज या हाई वोल्टेज साइड करंट या लो वोल्टेज साइड वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड करंट। और अगर यही केवीए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए केवीए क्या होगा, हाई वोल्टेज साइड वोल्टेज इंटू हाई वोल्टेज साइड करंट या लो वोल्टेज साइड वोल्टेज इंटू लो वोल्टेज साइड करंट। ओके, सो आपने कहा सर केवीए अगर इन दोनों का कंपेयर करें तो केवीए क्या होगा, या तो दोनों का एचवी साइड कंपेयर करें या दोनों का एलवी साइड कंपेयर करेंगे। तो आपने कहा सर अगर हम इन दोनों साइड का एचवी साइड को कंपेयर करते हैं तो एचवी साइड के लिए हमारा केवीए क्या होगा। ऑब्जर्व करिएगा, आपने कहा सर केवीए ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर बाय केवीए ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल्स टू, हां जी बेटा केवीए ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर बाय केवीए ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल्स टू वीएच आईएच बाय वीएच माइनस वीएल आईएच, या आप कह सकते हो सर वीएल आईएल माइनस आईएच बाय IL माइनस IH बाय क्या हो जाएगा हमारा VL IL। सो यहां से VL VL या आप कह सकते हो IH IH कैंसिल आउट, दोनों में से किसी एक को आप ले लो। सो आपने कहा इन दोनों को कैंसिल कर दो या इन दोनों को कैंसिल कर दो, बात एक ही है। और यहां से आप कह सकते हो सर ये हो जाएगा 1/1 माइनस VL बाय VH, या फिर आप कह सकते हो सर ये किसके बराबर है 1 माइनस 1/1 और यू कैन से सर 1 माइनस 1 माइनस आई एच बाई आई एल कह सकता हूं मैं, या आई एल अगर कॉमन ले लूं तो आई एल अगर कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस आई एम सॉरी फॉर दिस विल बी वी एल आई एल, बिकॉज इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर आउटपुट इज वी एल आई एल एंड इन टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर दिस इज वी एल IL minus IH, IL minus IH. So you can say, sir, VL and VL will cancel out and now we can represent it as 1/1 minus IH by IL. So आपने कहा सर IH by IL या VH by VL, हमने A auto define किया था, क्योंकि हमने define किया था A auto is equals to either you can say NH by NL or you can say VH by VL or you can say IL by IH. So इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे A auto replace कर सकते हैं और A auto लिखने पे ये हो जाएगा दोनों में से कोई भी एक 1 minus 1/1 A auto, और you can write it as A auto minus 1 minus A, A auto minus 1. A auto minus 1. So what is this? This is your KVA of auto transformer to KVA of two winding transformer. Yani aapka auto transformer ka KVA rating kya ho gaya? Auto transformer ka KVA rating hua A auto upon A auto minus 1 into KVA of two winding ट्रांसफॉर्मर, रेटेड केवीए ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। इट मींस मैक्सिमम यू कैन ऑपरेट योर ऑटो ट्रांसफॉर्मर अप टू दिस लिमिट। आपने कहा सर ए ऑटो माइनस वन वन से छोटा होगा, नहीं, ए ऑटो माइनस वन ए ऑटो से छोटा होगा, और ए ऑटो डिवाइडेड बाय दिस ऑलवेज दिस टर्म इज गोइंग टू बी लेस देन वन ना, ए ऑटो अपॉन ए ऑटो माइनस वन, सो ए ऑटो माइनस वन, so this is going to be divided by a auto minus 1, it means the term is going to be more than 1, और जब भी ये term 1 से बड़ा आने वाला है इसका मतलब ही क्या हुआ कि अगर ये term 1 से बड़ा आएगा तो आप क्या कहोगे,
ये टर्म अगर एक से बड़ा आएगा तो आप बोलोगे सर ऑटो ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के केवीए रेटिंग से ज्यादा होगा। लेकिन याद रखिएगा ये बात सिर्फ और सिर्फ कब ट्रू है, सीरीज एडिटिव पोलैरिटी के केस में ट्रू है। जब यहां पे आपका डॉट और यहां पे डॉट था तो आपने कहा था सर जो वोल्टेजेस हैं वो सीरीज एडिटिव पोलैरिटी में है, तब आपका ये वाला जो कंडीशन है वो ट्रू माना जाएगा। चूंकि हम हमेशा जब ऑटो ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो एडिटिव पोलैरिटी में ही बनाते हैं, इसलिए ये वाला आपकी बुक में डायरेक्ट लिख देते हैं। बट दिस इज कंडीशनल, दिस इज ओनली ट्रू फॉर एडिटिव पोलैरिटी। आई हैव डिराइव्ड दिस ओनली फॉर द एडिटिव पोलैरिटी, सो दिस इज ओनली ट्रू फॉर एडिटिव पोलैरिटी। ओके, यहां तक आपको समझ में आया मेरी बात? ओके, सो यानी कि केवीए रेटिंग हम टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कंपैरेटिवली ऑटो ट्रांसफार्मर की कैलकुलेट कर सकते हैं और हम देख पा रहे हैं कि केवीए रेटिंग हमेशा ज्यादा होगी। आइए मैं ऑटो ट्रांसफार्मर में इस क्वेश्चन की बात करता हूं। इस क्वेश्चन के थ्रू हम ये सीखेंगे कि अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के तारों को आपस में ऐड के हम ऑटो ट्रांसफार्मर बना देते हैं जो कि बाहर निकले हुए वायर्स हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, और ऑटो ट्रांसफार्मर के केवीए रेटिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, और ओवरऑल हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेटिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, इस बात को समझते हैं। इससे हम आज ये भी सीखेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर हमें कैसे बनाना चाहिए, इसके बारे में ये क्वेश्चन हमें समझाएगा। मैंने यहाँ पर एक लिया है 2200/220 वोल्ट का एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 2200/220 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। The ट्रांसफार्मर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज रेटेड एट 22 kVA, ट्रांसफार्मर इज रेटेड एट 22 kVA। इफ द वाइंडिंग्स ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू मेक एन ऑटो ट्रांसफार्मर देन फाइंड द वोल्टेज एंड केवीए रेटिंग्स इन ऑल पॉसिबल कनेक्शंस। मतलब एक डिजाइनर कितनी तरह से इसे ऑटो ट्रांसफार्मर बना सकता था, मैं हर एक बात करना चाहूंगा। ध्यान दीजिएगा, सपोज करिए मेरे पास ये एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गई एक वाइंडिंग और ये हो गई हमारे पास दूसरी वाइंडिंग। अब आप बोलोगे सर हमने तो ऐसा देखा था कि एक इधर और एक इधर, वो सिर्फ एक्सप्लेनेटरी पर्पस के लिए होता है। एक्चुअल में एचवी और एलवी वाइंडिंग्स एक के ऊपर एक ही लपेटे रहते हैं, इससे इंसुलेशन कॉस्ट हमारी घट जाती है और हमारा लीकेज फ्लक्स कम होता है। तो मान लीजिए हमारे पास ये एचवी वाइंडिंग है और ये हमारे पास एलवी वाइंडिंग है, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इन टर्न्स को मैं अपना नाम दे देता हूँ कुछ आपका 22,000/200 है, सो इसका मतलब 22,000/220 वोल्ट्स का है। यहाँ पे जो इंसुलेशन लेवल है वो 22 kV के लिए है और ये 0.22 kV के लिए। आपने कहा सर यहाँ पे हमने जो सप्लाई, अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास दो टर्मिनल हैं, मैं इसे H2 H1 का नाम दे देता हूँ और इस टर्मिनल को लो वोल्टेज साइड को L2 L1 का नाम दे देता हूँ। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि अगर करंट फ्लो करेगी तो बहने वाली करंट यहाँ पर इस डायरेक्शन में फ्लक्स सेटअप करेगी और यहाँ बहने वाली करंट ऐसी होनी चाहिए जो अपोज करे कॉस को, तो इस फ्लक्स को अपोज करने के हिसाब से करंट ऐसी फ्लो करनी चाहिए। ये इंस्टेंटेनियस दिखाया हूँ ताकि मैं पोलैरिटी मार्क कर सकूँ। अगर यहाँ पे पोलैरिटी देखी जाए तो इंड्यूस ईएमएफ की पोलैरिटी यहाँ ये आएगी और यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ की पोलैरिटी देखी जाए तो ये आएगी। इस हिसाब से ये डॉट है और ये डॉट है। आपने कहा सर ये हमारे पास H2 L2 और H2 H1 करके चार टर्मिनल्स हैं, मैं यहाँ उन टर्मिनल्स को नाम दे देता हूँ। ये टर्मिनल है H2, ये टर्मिनल है H1, ये टर्मिनल था L2 और ये टर्मिनल है L1। यहाँ पे डॉट प्रेजेंट है और यहाँ पे डॉट प्रेजेंट है जो हमने पोलैरिटी टेस्ट द्वारा पता कर लिया। सो आपने कहा सर ये हमारे ट्रांसफार्मर से चार वायर बाहर निकल रखे हैं H2 H1 और L2 L1। अब इन ट्रांसफार्मर्स में इसी ट्रांसफार्मर को हमें कनेक्ट करना है ऐसा ताकि ये ऑटो ट्रांसफार्मर बन जाए। आपने कहा सर एचवी साइड में जो मैक्सिमम वोल्टेज आप लगा सकते हैं वो 2200 वोल्ट लगा सकते हैं और एलवी साइड में जो मैक्सिमम वोल्टेज हम लगा या ऑप्टेन कर सकते हैं वो 220 वोल्ट्स ऑप्टेन कर सकते हैं, इंसुलेशन लेवल पे निर्भर करता है। आपने कहा सर यहाँ की करंट मान लेते हैं I1 मैक्सिमम करंट यहाँ पे फ्लो कर सकती है और I2 मैक्सिमम करंट यहाँ पे फ्लो कर सकती है। करंट जब भी फ्लो करेगी हमेशा सोर्स साइड से अगर करंट एंटर कर रही होगी तो लोड साइड से करंट लीव होती हुई दिखाई देगी, सो हमेशा एक साइड से एंटर करेगी और दूसरे साइड से लीव होगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक टू पोर्ट डिवाइस है जिसमें करंट आपका अगर इधर आ रही है तो उस साइड में क्या हो रही होगी, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में डिलीवर हो रही होगी। तो आपने कहा सर
अगर हम यहाँ पर 22 केवीए का ट्रांसफार्मर लिए है तो इसका मतलब ये रेटेड करंट I1 होगी कितनी। I1 मैक्सिमम करंट जो S2H1 में बह सकती है वो थिकनेस पे निर्भर करती है, और इसका थिकनेस आपने ऐसा बनाया होगा कि 22 केवी बाय 2200। इसका मतलब आपने कहा सर ये कितना हो जाएगा बेटा 10 एम्पियर। सो 10 एम्पियर की करंट आपकी फ्लो कर सके ऐसा हम वायर H2H1 का यूज कर रहे हैं, और L2L1 का जो वायर है वो ऐसा है कि मैक्सिमम करंट कितनी बह सकती है 22 केवी डिवाइडेड बाय 220, सो दिस इज इक्वल्स टू 100 एम्पियर। सो द वायर थिकनेस, द थिकनेस ऑफ वायर L2L1 इज सच दैट इट कैन मैक्सिमम अलाउ 100 एम्पियर एंड द थिकनेस ऑफ वायर H2H1 इज सच दैट इट कैन मैक्सिमम अलाउ 10 एम्पियर। अब ये करंट यहां पर इसी तरह से फ्लो हो रही। अब आपने कहा सर इसमें हम कोई भी दो टर्मिनल को उठा के कनेक्ट कर दें, जैसे H2 को L2 से कनेक्ट कर दें तो भी ऑटो ट्रांसफार्मर बन जाएगा, अगर H2 को L1 से कनेक्ट कर दें तो भी ऑटो ट्रांसफार्मर बन जाएगा, H1 L1 को आपस में जोड़ दें तो भी ऑटो ट्रांसफार्मर बन जाएगा, H2 L2 को आपस में जोड़ दें तो भी ऑटो ट्रांसफार्मर बन जाएगा। तो हर एक कनेक्शन की बात मैं करता हूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं केस नंबर 1। मैं इसको डिफरेंट केसेस में बांट देता हूं, हर पॉसिबल केसेस में, ताकि हम अच्छे से ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना समझ सके। केस नंबर 1 की बात करता हूं, मान लीजिए व्हेन H1 एंड L2 आर शॉर्टेड, व्हेन H1 एंड L2 आर शॉर्टेड एंड L2 L1 इज कॉमन वाइंडिंग। जब H1 L2 शॉर्टेड है और मैंने माना है कि L2 L1 क्या है कॉमन वाइंडिंग है, तो अगर आपने H1 L2 को शॉर्ट कर दिया तो आपको कैसा नजर आएगा। आपने कहा सर मैं एक वायर लेके आता हूं, ये देखिए लाल कलर का एक वायर लेके आता हूं और H1 को L2 से शॉर्ट कर देता हूं, आपस में आट देता हूं, और ये एक पोर्ट हो जाएगा हमारे पास, ये एक पोर्ट हो जाएगा हमारे पास, और ये एक पोर्ट हो जाएगा हमारे पास। आपने कहा सर ये दोनों पोर्ट्स आपके कॉमन, ये दोनों पोर्ट्स आपका हाई वोल्टेज रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला पोर्ट्स आपका लो वोल्टेज रिप्रेजेंट करेगा। तो आपके पास टोटल आपके पास 1, 2 और 3 पोर्ट है, जिसमें इन दो पोर्ट्स के बीच में आपने इनपुट कनेक्ट कर दिया और इन दो पोर्ट्स के बीच में अगर आप चाहें तो आउटपुट, अगर आप स्टेप डाउन कर रहे हैं तो। सो आपने कहा सर यहाँ पे हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपने कहा सर इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा H2 H1, और H1 इज शॉर्टेड विद L2, सो H1 इज शॉर्टेड विद L2, सो L2 L1 एंड L2 L1 इज द कॉमन वाइंडिंग, सो दीज आर द 3 टर्मिनल्स। ओके, सो आपने कहा सर यहाँ पर ये जो आपके वोल्टेज है वो मैक्सिमम वोल्टेज हमें यहाँ पर कितना मिल सकता है, H2 पे डॉट है और L2 पे डॉट है। आपने कहा सर ये कैसा केस है, ये सीरीज एडिटिव का केस है, क्योंकि जिस पॉजिटिव हाफ साइकिल में अंदर तो ट्रांसफार्मर वही है, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा वो प्लस माइनस 2200 वोल्ट होगा, और यहाँ पर जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा वो 220 वोल्ट्स इंड्यूस्ड होगा। तो आपने कहा सर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो 220 वोल्ट्स आएगा और जो इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा वो 2200 वोल्ट्स आएगा। चूंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में अंदर का फंक्शन बिल्कुल सेम है, ये हमेशा एक साइड से अगर करंट आ रही तो इसका MMF इसके MMF को बैलेंस ही करेगा, इस हिसाब से करंट की डायरेक्शन अंदर इंस्टेंटेनियस करंट की डायरेक्शन यही होगी। नेक्स्ट हाफ साइकिल में जब ये पलटेगी तो ये भी पलट जाएगी। तो आपने कहा सर ये इंड्यूस्ड GMF की पोलैरिटी आई, और इस इंड्यूस्ड GMF की पोलैरिटी से यहां पे टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2200 प्लस 220, ये आपका हो जाएगा 2420 वोल्ट्स। सो 2420 वोल्ट्स 2420 वोल्ट्स हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ 2420 वोल्ट्स अप्लाई करेंगे तो हमारी वाइंडिंग्स खराब नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि इस वाइंडिंग पे जो वोल्टेज अपियर होगा वो 2200 वोल्ट्स अपियर होगा और इस वाइंडिंग पे जो वोल्टेज होगा वो 220 वोल्ट्स अपियर होगा। तो अभी भी हमारा इंसुलेशन लेवल खराब नहीं होगा, अब हम जो वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं वो 2420 वोल्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपने कहा सर करंट की बात, मैक्सिमम करंट जो H2H1 में बह सकती है वो क्या बह सकती है, अगर एक इंस्टेंट पे देखा जाए तो यहां पे करंट क्या बह रही थी, I1 बह रही थी, और यहां पे करंट क्या बह रही थी, I2 बह रही थी। तो आपने कहा सर मैक्सिमम करंट जो H2H1 में बह सकती है वो किधर से किधर फ्लो हो रही है, अगर एक इंस्टेंट पे देखा जाए तो H2 से H1 की तरफ फ्लो हो रही है। कितनी करंट बह रही है वो निर्भर करता है थिकनेस पे, जो थिकनेस है उसके हिसाब से ये करंट कितनी है, 10
एम्पियर। तो आपने कहा सर यहां मैक्सिमम आप 10 एम्पियर की करंट फ्लो करा सकते हो, जिस समय H2 से H1 फ्लो हो रही होगी उस समय इधर L1 से L2 करंट फ्लो हो रही होगी और कितनी फ्लो हो रही होगी 100 एम्पियर। सो अगर यहां पे पॉइंट पे KCL लगाया जाए तो KCL लगा के यहां की करंट निकाली जा सकती है जो कितनी हो जाएगी 110 एम्पियर। अब अगर आप मुझसे पूछते कि इसका वोल्टेज रेटिंग बताओ तो मैं इसका वोल्टेज रेटिंग आपको बताता, इसका वोल्टेज रेटिंग है हाई वोल्टेज साइड वोल्टेज अपॉन लो वोल्टेज साइड वोल्टेज। तो इसका वोल्टेज रेटिंग आपके पास आ गया, वोल्टेज रेटिंग कितना आया, आपने कहा सर वोल्टेज रेटिंग आया 11। और अगर मैं बात करता हूं केवीए रेटिंग की तो केवीए ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होगा, या तो हाई वोल्टेज साइड वोल्टेज इंटू हाई वोल्टेज साइड करंट या तो लो वोल्टेज साइड वोल्टेज इंटू लो वोल्टेज साइड करंट। सो आपने पाया सर दैट विल बी इक्वल टू 24.2 केवी। आपने कहा सर जो हमारे पास 22 केवीए का टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था उसका महज एक वायर ऐड देने से, तीन टर्मिनल निकालने से वो 24.2 केवीए का लोड हैंडल आउट कर सकता है। जो वोल्टेज रेटिंग 2200 बाय 220 थी वो वोल्टेज रेटिंग अब कितनी हो गई 2420 बाय 220। तो आपने कहा सर वोल्टेज रेटिंग भी हमारी क्या हो गई, राइज हो गई, केवीए रेटिंग हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक, तो यहां पे हमें ये दिखाई दे रहा कि केवीए रेटिंग ऑटो ट्रांसफार्मर की बढ़ गई। क्या यहां फॉर्मूला वैलिड है? अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो केवीए ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू a ऑटो अपॉन a ऑटो माइनस वन। सो a ऑटो अपॉन a ऑटो माइनस वन इंटू केवीए ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो आपने कहा सर ए ऑटो हमारे पास है 11 अपॉन 11 माइनस 1 इंटू केवीए रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर 22 केवीए। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट दैट इज सेम एज 24.2 केवीए। सो आपने कहा सर यस फॉर्मूला वैलिड है। एडिटिव पोलैरिटी के लिए मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था और एडिटिव पोलैरिटी के लिए फॉर्मूला वैलिड होता है। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, किसी ने कहा सर इसको इस तरह से शॉर्ट करने के बजाय आप दूसरी तरह से शॉर्ट करिए, मतलब आप एक काम करिए H2 को L1 से शॉर्ट कर दीजिए और H1 H2 को कॉमन ले लीजिए। मतलब मैं H2 को L1 से शॉर्ट करना चाहता हूं और H2 H1 कॉमन वाइंडिंग लेना चाहता हूं। तो केस नंबर टू को समझिएगा। अगर केस नंबर टू की बात की जाए तो किसी ने इसी ट्रांसफार्मर को बनाते समय ऐसा सोचा कि क्यों ना हम H2 को और L1 को शॉर्ट कर दें, आर शॉर्टेड और H2 H1 इज कॉमन वाइंडिंग, H2 H1 इज कॉमन वाइंडिंग। सो आपने कहा सर ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे पास टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था, इस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में हमने कुछ भी नहीं बदला है, इस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में हमने कुछ भी नहीं बदला है। आपने कहा सर बस आपने यहां पे H2 H1 और L2 L1 में से H2 और L1 को एक वायर द्वारा शॉर्ट कर दिया, एक टर्मिनल बाहर आ गया, एक टर्मिनल हमारे पास H2 बाहर आ गया और एक टर्मिनल हमारे पास L2 बाहर आ गया। आपने कहा सर यहाँ पे मैं इनपुट लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं इनपुट लगाना चाहता हूँ, कहाँ पे? H2 और L1 आपने कॉमन पोर्शन लिया है, तो H2 और L1 कॉमन पोर्शन लिया है, यहाँ पे आप इनपुट लगाना चाहते हैं इसके बीच में, इसके बीच में आप इनपुट लगाना चाहते हैं और यहाँ पे आप आउटपुट चाहते हैं। सो आपने कहा सर ये हमारे पास टोटल थ्री टर्मिनल्स हैं जहाँ पे हम इनपुट और आउटपुट कनेक्ट कर सकते हैं। सब कुछ वैसा ही है बेटा, कुछ भी नहीं बदला है। आपने कहा सर इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका L2 L1 और ये हो गया आपका H2 H1। सो आपने कहा सर हमारी जो वाइंडिंग है वो एच टू और एल वन शॉर्टेड है, ये एल टू है, ये एच वन है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है। तो अब अगर मैं इसके H1 और L1 के बीच में कोई सोर्स लगाता हूँ, तो H1 और L1 के बीच में अगर मैं कोई सोर्स लगाता हूँ, H1 और L1 के बीच में, H1 और L2 के बीच में, H1 और L2 के बीच में मैं इनपुट लगाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, H1 और L1 के बीच में मैं इनपुट लगाता हूँ,
तो आपने बोला सर H1 और L2 के बीच में जो आप इनपुट लगाओगे उसकी वजह से यहाँ एक करंट आएगी, ये बहने वाली करंट क्या करेगी, एक फ्लक्स क्रिएट करेगी। चलिए मैं मान लेता हूँ कि ये करंट आपकी किधर से किधर फ्लो कर रही है, यहाँ पर भी उसी इंस्टेंट को कंसीडर आउट कर लूँ जो इंस्टेंट मैंने ये मान रखा था, तो अगर इसी इंस्टेंट को कंसीडर आउट कर लूँ तो करंट किधर से किधर बह रही थी, H1 से H2 की तरफ, और इधर करंट किधर से बह रही थी, L1 से L2 की तरफ। तो जिस समय करंट यहाँ पे इस वाली वाइंडिंग में H2 से H1 की तरफ बह रही होगी, उस समय इस वाली वाइंडिंग में L1 से L2 की तरफ बहेगी, क्योंकि MMF बैलेंस तभी हो सकता है। सो MMF बैलेंस अभी भी चल रहा है। आपने कहा सर ये जो हमारा है वो अगर फ्लक्स इस डायरेक्शन में बनाएगा तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके फ्लक्स कॉज करेगा। सो ये दोनों हमेशा क्या होने वाले हैं, बैलेंस। इस हिसाब से करंट हमेशा ऐसी बहने। तो अगर यहाँ पे करंट ली जाए तो H2 से H1 की तरफ कितनी करंट मैक्सिमम बह सकती है, थिकनेस पे निर्भर करता है वायर H2 H1 के, और 10 एम्पियर की करंट बह सकती है। जबकि यहाँ पे करंट कितनी बह रही है, L1 से L2 की तरफ बह रही है, और कितनी करंट बह रही, आपने कहा सर मैक्सिमम करंट 100 एम्पियर की करंट अलाउड है। इस हिसाब से यहाँ पे करंट आपको कितनी दिखाई देगी, बाय KCL एट दिस पॉइंट आप कह सकते हो 110 एम्पियर की करंट दिखाई देगी। अगर यहाँ पे टोटल वोल्टेज देखा जाए तो टोटल वोल्टेज क्या होगा, चूंकि ये मैं पर टर्न सेम है और ये सीरीज एडिटिव पोलैरिटी का है, यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा 220 वोल्ट होगा, और यहाँ पे वोल्टेज उसी इंस्टेंट पे कितना होगा 2200 वोल्ट होगा। तो आपने कहा ये दोनों एड अप होके कितना वोल्टेज हो जाएगा, 2420 वोल्ट। तो यहाँ पे 2420 वोल्ट बाय 2200 वोल्ट हमारा रेटिंग आ गया। सो ए ऑटो कितना हो गया, 2420 बाय 2200, ये हमारा ए ऑटो हो गया। और अगर हम बात करते हैं अपने केवीए रेटिंग की, तो केवीए ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1.1। केवीए ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर हो जाएगा हाई वोल्टेज साइड वोल्टेज, दैट इज दिस मल्टीप्लाइड बाय हाई वोल्टेज साइड करंट, और लो वोल्टेज साइड वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय लो वोल्टेज साइड करंट। सो यू कैन फाउंड दैट इट इज इक्वल्स टू 242 केवीए, यानी जो ट्रांसफार्मर हमारा महज 22 केवीए का लोड संभाल सकता था एज एन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, वो एक तार एंट देने की वजह से अब संभाल रहा है 242 केवीए का लोड। ऐसे तो आपको लग रहा होगा सर सारे के सारे ट्रांसफार्मर में ही ये काम कर दिया जाए, लेकिन नहीं, इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है जिसकी वजह से हम ये काम सारे ट्रांसफार्मर्स को नहीं कर सकते। अभी भी हमें इलेक्ट्रिकली आइसोलेशन की जरूरत होती है जो यहाँ पर लूज कर जाता है ट्रांसफार्मर। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आपने कहा सर हमारे ये वाले में क्या फॉर्मूला वैलिड है, बिल्कुल फॉर्मूला वैलिड है। ए ऑटो क्या होगा, ए ऑटो हो जाएगा केवीए ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, या फिर आप कह सकते हो सर केवीए ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होगा, केवीए ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर होगा ए ऑटो अपॉन ए ऑटो माइनस वन इंटू केवीए ऑफ टू वाइंडिंग। सो केवीए ऑफ टू वाइंडिंग हमारा कितना है, आपने कहा 1.1 अपॉन 1.1 माइनस वन, केवीए टू वाइंडिंग का था 22 केवीए, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 242 केवीए। So it means a 22 kVA transformer can operate at 242 kVA just by using a wire, this red wire, just by using this red wire. But no, we can't do it practically. Why? We will later on discuss. हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि हम ऐसा क्यों नहीं करते, क्यों नहीं हम सारे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर ही बना देते हैं, इस बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगा। मगर क्या आपको ये एडवांटेज समझ में आया, यहाँ भी फॉर्मूला वैलिड था क्योंकि मैंने सीरीज एडिटिव पोलैरिटी के लिए डिफाइन किया था। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है, तो जो भी आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो दोनों क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कि आप इन दो पोलैरिटीज के बाद अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी की। तो आइए देखते हैं अगर क्या होगा कि सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में कनेक्ट कर दिया जाए। तो अगर हम बात करें यही केस नंबर थ्री की, तो केस नंबर थ्री में किसी ने कहा सर आप इसे H2 और L2 को शॉर्ट कर दो और L1 को कॉमन ले लो। सो विद H2 L2 shorted and L2 L1 as common winding,
अगर H2L2 को शॉर्ट कर दिया जाए और L2L1 को कॉमन वाइंडिंग लिया जाए, तो आपने कहा सर इसका मतलब हमारा जो कनेक्शन होगा वो इस तरह से दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा, आपने कहा सर ये हमारा हो गया H2H1 और L2L1 और H2 and L2 आर शॉर्टेड, सो L2L1। यहाँ से हमारे पास दो टर्मिनल H2L1 कोश जो हमने आपस में शॉर्ट किया उससे एक आया, और एक हमारे पास L1 से टर्मिनल है और एक हमारे पास H1 से टर्मिनल है। तो आपने कहा सर यहाँ पे अगर हम डॉट को देखें तो यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे डॉट है, सो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो इंड्यूस DMF होगा वो तो अंदर वैसा ही होगा जैसे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में हो रहा था, ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस। मैक्सिमम वोल्टेज चूंकि EMF पर टर्न सेम है तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो 220 वोल्ट्स आएगा, और मैक्सिमम वोल्टेज जो यहाँ पे आ सकता है वो हमारा 2200 वोल्ट्स आएगा। तो अब आपने कहा सर इस केस में हम H1 और L1 के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितना लगा सकते हैं, जो H1 और L1 के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज लगा सकते हैं वो 2200 माइनस 220 यानी कितना हो गया। सो आपने कहा सर ये हो जाएगा हमारा 0.8 9 1 1980 वोल्ट्स, ये जो हमारे पास आएगा वो आएगा 1980 वोल्ट्स, यानी जो मैक्सिमम वोल्टेज अब मैं यहाँ लगा सकता हूँ वो 1980 वोल्ट लगा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं 1980 वोल्ट्स लगाऊंगा तो L2L1 के अक्रॉस जो वाइंडिंग पे वोल्टेज आएगा वो 220 वोल्ट्स आएगा और जो H2H1 के अक्रॉस आएगा वो 2200 वोल्ट्स आएगा। इससे ज़्यादा वोल्टेज अगर मैंने लगाया तो इनमें से किसी एक पे वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाएगी और इस वजह से इंसुलेशन फेल हो सकता है। मैक्सिमम करंट जो फ्लो कर रही है वो फ्लो कर रही है जो मैक्सिमम करंट पर निर्भर करती है थिकनेस पे, और यहां पर अगर देखा जाए तो करंट हमारी H2 से H1 की तरफ जा रही है। सो यहां पे आपने कहा H2 से H1 की तरफ जा रही करंट और मैक्सिमम करंट कितनी है 10 एम्पियर, यहां पे करंट कितनी जा रही है 100 एम्पियर, और किधर से किधर जा रही है आपने कहा सर L1 से L2 की तरफ जा रही है और 100 एम्पियर की करंट जा रही है। तो अगर मैं यहां पर KCL लगाऊं इस पॉइंट पे तो इस पॉइंट पे KCL लगा के हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये करंट कितनी होगी। आपने कहा सर ये करंट कितनी होगी 90 एम्पियर। तो आपने कहा सर अगर हम वोल्टेज रेटिंग की बात करें इस केस में तो वोल्टेज रेटिंग क्या होगी, हाई वोल्टेज 980 बाई 220, सो हाउ मच, आपने कहा सर ये हमारा हो जाएगा 1.1। ओके, सो आपने कहा सर ये हमारे पास आ गया 1.1। ओके, ए ऑटो अभी भी 1.1 है, आपने कहा 1980 बाई 220 वोल्ट्स हम मैक्सिमम लगा सकते हैं, और केवीए की अगर बात की जाए तो केवीए ऑफ ऑटो क्या हो जाएगा 1980 × 10 और यू कैन से 220 × 90, सो दैट इज इक्वल्स टू, यू कैन से सर दैट इज इक्वल्स टू 19.8 KVA, यानी आपका जो इस तरह से वाइंडिंग आपने कनेक्ट कर दी, ये आपने इन दोनों को कनेक्ट करके सेम पोलैरिटी को ऐसे कर दिया, तो ये केस किसका बना, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी का, इसे बोलते हैं हम सीरीज सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। तो अगर सीरीज सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी का केस बना है तो सीरीज सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी के केस में, सीरीज सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी के केस में हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारा जो 22 KVA का टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था उसे भी हमने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन खराब हो गया, अब इलेक्ट्रिकली आइसोलेट तो है नहीं और साथ ही साथ आपकी रेटिंग भी कम है, सो एडवांटेज पूरा का पूरा डिसएडवांटेज में बदल गया। इसलिए हमें यह जानना बहुत जरूरी होता है कि वे ऑफ वाइंडिंग क्या है जब हम ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह से कनेक्ट करेंगे। आपने कहा सर क्या यहां पे फॉर्मूला वैलिड है, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो केवीए ऑफ ऑटो हमने क्या निकाला था, ए ऑटो अपॉन ए ऑटो माइनस 1 × KVA ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, सो केवीए ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर हमारा कितना था, आपने कहा सर ये हमारे पास 9 आ रहा, आई एम सॉरी फॉर दिस इज योर 9 ना, ओके, सो आपने कहा सर ये हो जाएगा हमारे पास केवीए ऑफ टू वाइंडिंग। तो अगर मैं यहां पर पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 9 9 माइनस 1 × KVA ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर,
दैट इज 22 kV. तो अगर आप इसको फाइंड आउट करोगे तो ये आपको उतना नहीं मिलेगा. आपने कहा सर ये हो जाएगा 9/8 × 22 kV. सो आपने कहा सर 9/8 × 22 kV, ये वैल्यू हमारी इस वैल्यू के बजाय अलग वैल्यू आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है. इस बात का हमें ध्यान रखना है, ये सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, क्योंकि सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी के केस के लिए मैंने फॉर्मूला डिराइव नहीं किया था, मैंने एडिटिव पोलैरिटी के लिए डिराइव किया था. ये तो हम कभी करेंगे ही नहीं, ये केस हम सीख ही इसी ले रहे हैं कि हम कभी भी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को अगर ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह कनेक्ट करना है तो हम इस तरह से कभी भी कनेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है. अच्छा, आपने कहा सर चूंकि यहां पर ए ऑटो जो है वो फार अवे है यूनिटी से, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है. अगर ये ए ऑटो क्लोज टू यूनिटी होता तो प्रॉब्लम नहीं आती. तो आइए इसको एक और केस में देखते हैं कि सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में ए ऑटो क्लोज टू यूनिटी हो. केस नंबर 4 को देखिएगा. मान लीजिए आपने कहा सर आप H2 और L2 को ही शॉर्ट करिए या H1 और L1 को शॉर्ट कर दीजिए. हमने यहां देखा ए ऑटो इज इक्वल टू 9 और KVA ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज HV साइड वोल्टेज इंटू HV साइड करंट और LV साइड वोल्टेज इंटू LV साइड करंट. तो हमने ये पाया कि 1900.19.8 kVA. आपका ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर भी खराब हो गया. क्यों? क्योंकि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर 22 kVA का था और आपने इसे ऑटो ट्रांसफार्मर बना के महज 19.8 kVA का कर दिया, जहां आप इसे ऑटो ट्रांसफार्मर बना सकते थे 242 kVA का, वहां आपने इसे ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया 19.8 kVA का. और साथ ही साथ आपने यहां पर इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का एडवांटेज था उसको भी लूज कर गए. तो हम कभी भी ऐसा कनेक्शन बनाते नहीं है. और अगर हम देखें क्या यहां पे फॉर्मूला वैलिड है, तो हमने ये पाया कि KVA of ऑटो इज ए ऑटो अपॉन ए ऑटो माइनस 1 इंटू टू वाइंडिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर ऑफ केवी रेटिंग. सो 9/9 − 1 × 22 kVA. ये जो हमें वैल्यू दे रहा है ये 19.8 kVA की नहीं दे रहा. क्यों? क्योंकि जो मैंने ये फॉर्मूला डिराइव किया है वो सीरीज एडिटिव पोलैरिटी के लिए डिराइव किया है, जबकि ये कौन सा केस हो गया है? सीरीज सब्ट्रैक्टिव. ये जो वोल्टेजेस हैं वो ऐड होने की जगह क्या हो गए? सब्ट्रैक्ट हो गए, क्योंकि पोलैरिटी आपने गलत तरीके से कनेक्ट कर दी है. सो पोलैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर डिजाइनिंग द ऑटो ट्रांसफार्मर. जरा यहां ध्यान दीजिएगा, केस नंबर 4. किसी ने मुझसे ये कहा कि सर ए ऑटो चूंकि 1 से बहुत ज्यादा दूर है, यानी ए ऑटो आपका वैल्यू बहुत बड़ा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम है. अगर आप ए ऑटो की वैल्यू क्लोज टू यूनिटी रखते तो ये प्रॉब्लम नहीं होती. तो आइए इसी की बात कर लेते हैं. H1 L1 आर शॉर्टेड एंड H2 H1 आर एज अ कॉमन वाइंडिंग. सो आपने कहा सर यहां पर अगर हम H1 H2 की बात करें तो H1 H2 में मैक्सिमम करंट कितनी बह सकती है? आपने कहा सर 10 एम्पीयर की बह सकती है. और किधर से किधर बहेगी? H1 से H2 की तरफ बहेगी. तो आपने कहा H1 से H2 की तरफ बहेगी और 10 एम्पीयर की करंट फ्लो हो सकती है. L2 L1 में L1 से L2 की तरफ 100 एम्पीयर की करंट फ्लो हो सकती है, H2 से H1 की तरफ और L1 से L2 की तरफ. तो यहां पे अगर हम KCL लगाते हैं इस पॉइंट पे तो आप बोलोगे सर ये कितना होगा? 90 एम्पियर. मैक्सिमम वोल्टेज जो यहां ऑब्टेन कर सकते हैं EMF पर टर्न के हिसाब से वो कितना है? 2200 वोल्ट्स, क्योंकि इंसुलेशन लेवल H2 H1 का 2200 वोल्ट्स के लिए डिजाइंड है. और L2 L1 के अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन कर सकते हैं वो कितना है? 250 वोल्ट्स, क्योंकि आपने कहा L2 L1 का इंसुलेशन लेवल 220 वोल्ट्स, क्योंकि L2 L1 का इंसुलेशन लेवल 220 वोल्ट्स के लिए डिजाइंड है. तो अगर यहां पर देखा जाए तो एक इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे ये प्लस है उस इंस्टेंट पे ये प्लस है, तो ये टोटल वोल्टेज यहां क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. और आप मैक्सिमम वोल्टेज जो यहां अप्लाई कर सकते हो कितना अप्लाई कर सकते हो? 1980 वोल्ट्स. सो इस हिसाब से आपने कहा सर अगर हम वोल्टेज रेटिंग की बात करें तो इस केस में वोल्टेज रेटिंग क्या हो जाएगा? हाई वोल्टेज साइड वोल्टेज अपॉन लो वोल्टेज साइड वोल्टेज. तो आपने कहा सर यहां पे हमारे पास हाई वोल्टेज साइड वोल्टेज बाय लो वोल्टेज साइड वोल्टेज ये कितना आ जाएगा? 1.1. आपने कहा सर केवीए की अगर बात करें तो केवीए ऑफ ऑटो क्या हो जाएगा? अगर हम केवीए ऑफ ऑटो की बात करते तो केवीए ऑफ ऑटो क्या हो जाएगा? आपने कहा सर लो वोल्टेज साइड वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय लो वोल्टेज साइड करंट और हाई वोल्टेज साइड वोल्टेज
multiplied by high voltage side current. So that is equals to 980 kVA, 1, 198 kVA. यहां पर आप ये देख पा रहे हैं कि सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी होने के कारण सेम ए ऑटो जो कि हमारा एडिटिव पोलैरिटी में ए ऑटो था, वही ए ऑटो होने के कारण बावजूद भी जो हमारा केवीए ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर है वो महज 198 केवीए है, जबकि अगर यही आप केस नंबर 2 यूज करते तो 242 केवीए आता। इसलिए हम हमेशा सीरीज एडिटिव पोलैरिटी यूज करते हैं और ए ऑटो क्लोज टू यूनिटी कंसीडर करते हैं। अगर आपको ये ना बताया हो कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह कनेक्ट करिए तो आप हमेशा कौन सा केस लेंगे, केस नंबर 2। मैंडेटरी है कि अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक 2000x200 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है 20 केवीए का, तो आप उसकी केवीए रेटिंग बताइए, तो इसके लिए आप क्या लोगे, आप ऑटोमेटिकली सीरीज एडिटिव पोलैरिटी विद ए ऑटो क्लोज टू यूनिटी लोगे, यानी 2000 में 200 ऐड कर दोगे 2200x2000 लोगे, सो ये ए ऑटो क्लोज टू यूनिटी आ जाएगा और एडिटिव पोलैरिटी बन जाएगी। यहां पे आपका केवीए ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। यहां पे भी अगर आप फॉर्मूला लगाते तो फॉर्मूला यहां पे भी वैलिड नहीं है, ए ऑटो अपॉन ए ऑटो माइनस 1 into KVA of two winding transformer is not valid because this is also the case of subtractive polarity. Okay? So, यहाँ पे हमने ये देखा कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। ऐसा नहीं कि बस वाइंडिंग्स को हमने कैसे भी कनेक्ट कर दिया, ये जो वाइंडिंग्स को मैंने दो वाइंडिंग्स को आपस में एक जगह पे यूज किया है, वहां पर जो दो वाइंडिंग्स का कनेक्शन होगा वो किस तरह से होना चाहिए ये चीज मैंने यहां पर आपको समझाने की कोशिश की। इन चारों में बेस्ट केस कौन सा है, ए ऑटो क्लोज टू यूनिटी, ए ऑटो क्लोज टू यूनिटी। आपको अगर कभी मान लीजिए कहता है, सपोज करिए हमसे कहता है हमारे पास 20 केवीए का टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है और ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेटिंग है 2000x200 वोल्ट, और मैं आपसे पूछता हूं इफ द वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड as auto transformer, then find KVA rating of auto transformer. तो आप कौन सा केस लोगे, हमेशा कौन सा केस लोगे, मैंडेटरी है, यू मस्ट हैव टू टेक ए ऑटो क्लोज टू यूनिटी। तो आप ए ऑटो क्लोज टू यूनिटी लोगे, इन दोनों को ऐड कर दो और हाई वोल्टेज वाले से डिवाइड कर दो, सो 2200x2000 ये आपका ए ऑटो होना चाहिए। और इसके लिए अगर आप केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर निकालोगे तो ये हो जाएगा ए ऑटो अपॉन ए ऑटो माइनस 1 इंटू केवीए ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो यहां पे आप जो ए ऑटो की वैल्यू रखोगे वो 2200x2000 यानी 1.1 रखोगे और आप इजीली कैलकुलेट कर सकते। तो यहां पे हमने ये देखा कि ए ऑटो जितना करीब होगा 1 के, यूनिटी के जितना करीब होगा ए ऑटो, यानी रेशियो जितना डिफरेंस कम होगा एचवी साइड वोल्टेज और एलवी साइड वोल्टेज का, उतना ही ज्यादा केवीए हैंडलिंग कैपेसिटी हो सकती है ऑटो ट्रांसफार्मर की, उतने ही मटेरियल से जितने मटेरियल में आप लो रेटिंग का टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बनाते। ठीक है, तो चलिए अब इसी पे बेस्ड हम ये भी बात करते हैं कि क्यों टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हम ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं बनाते और क्या क्या हमें फायदा मिल रहा है अगर हम टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह से यूज करते। तो हम पहले फायदे की बात करेंगे, फिर ये भी कहेंगे कि हम क्यों टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं बनाते। जब भी हमें ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना होता है तो हम फ्रेश ऑटो ट्रांसफार्मर बनाते हैं, कभी भी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का यूज करके ऑटो ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं। सो अगर मान लीजिए आपका टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह यूज किया जा रहा हो तो कुछ कंक्लूजन बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले केवीए रेटिंग की बात करें तो केवीए ऑफ ऑटो अपॉन केवीए ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का जो रेशियो है ये आपका होगा ए ऑटो अपॉन ए ऑटो माइनस 1। क्यों? क्योंकि मैं हर प्रैक्टिकल पॉसिबल केस की बात कर रहा हूं और प्रैक्टिकल पॉसिबल केसेस में हम हमेशा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को जब भी ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह कनेक्ट कर रहे होंगे एडिटिव पोलैरिटी में ही कनेक्ट करेंगे। दूसरा मैं बात करता हूं लॉसेस की। अगर हम बात करें लॉसेस की तो लॉसेस पे क्या फर्क पड़ेगा,
अगर हमारे पास ट्रांसफार्मर 22 केवीए का था, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, और उसे मैं 22 केवीए पे लगाता, तो करंट इन अ डिफरेंट वाइंडिंग सेक्शन एंड वोल्टेज अक्रॉस देम विल रिमेन सेम. कोर लॉस डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज एंड कॉपर लॉस डिपेंड्स अपॉन द करंट. इसका मतलब कॉपर लॉस उतना ही होगा और कोर लॉस उतना ही होगा अगर हम उसी ट्रांसफार्मर को यूज कर रहे हो एडिटिव पोलैरिटी में रेटेड पे. जैसे कि आपने कहा सर, हमने जब टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया था तो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का रेटिंग कितना आया था, पहले वाले केस में आया था 24.2 केवीए. तो 24.2 केवीए पे ही अगर हम ऑपरेट करें तो करंट इन डिफरेंट सेक्शंस एंड वोल्टेज अक्रॉस देम विल रिमेन अनचेंज. इसका मतलब कॉपर लॉस एंड कोर लॉस विल रिमेन सेम. तो अगर मैं लॉस की बात करूं तो टोटल लॉस व्हेन यूज्ड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर और एज वेल एज व्हेन यूज्ड एज अ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, तो टोटल लॉस इन द कोर विल रिमेन सेम. टोटल लॉस कोर में सेम होगा लेकिन पर यूनिट लॉस डिफरेंट होगा. तो अगर पर यूनिट लॉस की बात की जाए तो पर यूनिट लॉस क्या होगा? आपने बोला सर पर यूनिट लॉसेस व्हेन कनेक्टेड एज ऑटो ट्रांसफार्मर, व्हेन द सेम ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड एज ऑटो ट्रांसफार्मर टू पर यूनिट लॉसेस व्हेन कनेक्टेड एज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर या व्हेन वर्किंग एज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर. तो अगर पर यूनिट लॉसेस की बात की जाए तो पर यूनिट लॉसेस क्या होता है? एक्चुअल लॉस अपॉन बेस पावर. सो एक्चुअल पावर अपॉन बेस पावर इज द पर यूनिट पावर. सो पर यूनिट लॉस इज एक्चुअल लॉस अपॉन बेस पावर. एक्चुअल लॉस अपॉन बेस पावर का मतलब हुआ, आपने कहा सर लॉसेस, एक्चुअल लॉसेस अपॉन बेस पावर ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज द ऑपरेटिंग, इज द मैक्सिमम केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर व्हेन यूज्ड एज ऑटो ट्रांसफार्मर अपॉन लॉसेस अपॉन केवीए ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर. सिंस द लॉसेस आर सेम बिकॉज करंट इन द डिफरेंट वाइंडिंग सेक्शंस एंड वोल्टेज अक्रॉस देम विल रिमेन अनचेंज्ड, सो यू कैन से द टोटल लॉस विल रिमेन सेम. कोर लॉस विल रिमेन सेम, कॉपर लॉस विल रिमेन सेम, बट द पर यूनिट लॉस इज गोइंग टू बी डिफर. नाउ सी, केवीए ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर अपॉन केवीए ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्म. तो आप यहां से कह सकते हो सर ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ए ऑटो माइनस वन अपॉन ए ऑटो. सो इफ यू नो अबाउट द पर यूनिट लॉसेज ऑफ अ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, यू कैन कैलकुलेट द पर यूनिट लॉसेज ऑफ अ ऑटो ट्रांसफॉर्मर. दिस इज वेरी यूजफुल फॉर्मूला. सपोज करिए आपको इफिशियंसी दिया हुआ है और आपको इफिशियंसी टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का दिया हुआ है 98%. तो अगर इफिशियंसी 98% है, इसका मतलब लॉसेस कितना हुआ? आपने बोला सर 2%. 100% में से 2% लॉस हो गया तो 98% इफिशियंसी है. तो अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का लॉसेस 2% है तो आप ऑटो ट्रांसफार्मर का लॉसेस कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको रेटिंग पता है तो. इस हिसाब से आपने कहा सर हम ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में परसेंटेज लॉसेज निकाल लेंगे तो ऑटो ट्रांसफार्मर की परसेंटेज इफिशियंसी निकाल लेंगे. अच्छा, क्या ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी? हाँ, ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी. इसका मतलब पर यूनिट लॉसेस जो आपका टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का होगा उसके कंपैरेटिवली पर यूनिट लॉसेस ऑटो ट्रांसफार्मर का हमेशा क्या आने वाला है? कम. सो इफिशियंसी ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर विल बिकम हायर. यस, इफिशियंसी ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज हायर देन द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर. तो एक तो केवीए रेटिंग बढ़ गई, हमने कहा इफिशियंसी भी बढ़ गई. अब इफिशियंसी भी बढ़ गई और केवीए रेटिंग भी बढ़ गई. आइए हम बात करते हैं वोल्टेज की, कि वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा. अगर हम वोल्टेज की बात करें कि वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा तो जरा ध्यान दीजिएगा. अगर हम टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जो हमने अप्लाई वोल्टेज किया था वो सेम था अक्रॉस द वाइंडिंग, यानी एच टू एच वन और एल टू एल वन वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेजेस क्या थे? सेम थे. करंट जो बह रही थी एच टू एच वन के अक्रॉस और एल टू एल वन के अक्रॉस वो सेम थी. तो आपने कहा सर यहां पर वाइंडिंग सेम है, कोर सेम है, लीकेज फ्लक्स भी सेम होगा. बिल्कुल सही, वाइंडिंग का वायर उतना ही है अंदर ट्रांसफॉर्मर के, तो रेजिस्टेंस भी सेम होगा. सर रेजिस्टेंस सेम है, रिएक्टेंस सेम है, यानी आर प्लस जे एक्स सेम है, और जो करंट बह रही है वायर में वो भी क्या है? सेम है. इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द वाइंडिंग विल रिमेन सेम. सो आप कह सकते हो सर द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द वाइंडिंग इन ऑटो ट्रांसफार्मर एज वेल एज इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर व्हेन बोथ ऑपरेटेड एट रेटेड वोल्टेज
will remain when both are operated at rated voltage and rated KVA, then both will remain same. However, the per unit voltage drops are different. So, अगर मैं per unit voltage drop की बात करूं, तो per unit voltage drop when working as or when connected as auto transformer, to per unit voltage drop, when connected as two winding transformer. So, आपने कहा सर current in different winding sections will remain same and equivalent resistances and reactances of the winding will remain same. So, इस हिसाब से आप कह सकते हो सर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, I rated into R equivalent plus of JX equivalent on any side of the two winding transformer or auto transformer upon V rated. मैं HV side की बात कर लेता हूं, तो HV side of auto transformer divided by I rated into R equivalent plus JX equivalent by, आप कह सकते हो सर V rated of HV side of two winding transformer. So आपने कहा सर यहां से अगर हम देखें तो impedances क्या है, same है. अगर impedances same है तो आप कह सकते हो V rated HV side of two winding into two winding upon V rated of LV side of two winding. और अगर मैं यहां पर I rated से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि रेटेड करंट दोनों में क्या है, दोनों साइड की जो आपकी वाइंडिंग की करंट है, यानी HV साइड में मैं रेफर कर रहा हूं, तो जो वाइंडिंग करंट है वही रेटेड करंट है, और दोनों ही केस में वाइंडिंग करंट क्या है, सेम है. तो इस हिसाब से आपने कहा सर हम यहां से कह सकते हैं कि हमारे पास KVA ऑफ टू वाइंडिंग अपॉन KVA ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर कह सकता हूं मैं. सो यहां से आपने कहा सर पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप व्हेन कनेक्टेड एज ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज व्हाट, इट इज प्रोपोर्शनल टू पर यूनिट इंपेडेंस. सो पर यूनिट इंपेडेंस ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर टू पर यूनिट इंपेडेंस ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर एट रेटेड इज इक्वल्स टू केवीए ऑफ टू वाइंडिंग बाय केवीए ऑफ ऑटो. अगर प्रीवियस क्वेश्चन से हम इसे कंपेयर करें तो आप बोलोगे सर ये आपका कितना हो जाएगा, 1/11. सो आपने बोला 1/11 का मतलब हुआ कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर का पर यूनिट इंपेडेंस 11 टाइम्स डिक्रीज कर गया कंपैरेटिव टू 1/11 टाइम्स हो गया कंपैरेटिव टू जेड पर यूनिट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर. सर पर यूनिट इंपेडेंस बदल गया जबकि एक्चुअल इंपेडेंस क्या है, सेम है. सेम वायर यूज हो रहा है, सेम वायर थिकनेस होगा, सेम रेजिस्टेंस होगा, सेम कोर यूज हो रहा है, सेम लीकेज फ्लक्स होगा, सेम इंपेडेंस होगा, लेकिन पर यूनिट इंपेडेंस क्यों डिफरेंट है, क्योंकि वोल्टेज रेटिंग डिफर कर रही है. तो आप कह सकते हो सर इसको आप केवीए के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हो, और केवीए ऑफ टू वाइंडिंग बाय केवीए ऑफ ऑटो को आप ए ऑटो माइनस वन अपॉन ए ऑटो लिख सकते हो. तो यहां से नजर आ रहा है कि पर यूनिट इंपेडेंस ऑटो ट्रांसफॉर्मर का डिक्रीज हो रहा है. सो व्हेनेवर द पर यूनिट इंपेडेंस ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इज मेंशन्ड ऑन टू द नेम प्लेट, यू कैन फाइंड द पर यूनिट इंपेडेंस ऑफ द ऑटो ट्रांसफॉर्मर व्हेन यू कनेक्ट द टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर एज अ ऑटो ट्रांसफॉर्मर. ओके, नाउ फर्दर ऑब्जर्व, ये हमारे पास हो गया पर यूनिट इंपेडेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन, पर यूनिट लॉसेस के बारे में इंफॉर्मेशन, केवीए रेटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन. अब हम बात करते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, वोल्टेज रेगुलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा. वोल्टेज रेगुलेशन अगर हम बात करें तो वोल्टेज रेगुलेशन किसके प्रोपोर्शनल होता है. आपने कहा सर वोल्टेज रेगुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू, हाँ जी, फॉर द सेम पावर फैक्टर ऑफ ऑपरेशन ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर एज दैट ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर. सो यू कैन से वोल्टेज रेगुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू जेड पर यूनिट. सो यहां से आप कह सकते हो सर वोल्टेज रेगुलेशन व्हेन कनेक्टेड एज अ टू वाइंडिंग ऑटो ट्रांसफॉर्मर टू वोल्टेज रेशियो व्हेन कनेक्टेड एज अ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर. तो अगर मैं इस रेशियो की बात करूं तो आप बोलोगे सर
ये रेशियो हमारा Z पर यूनिट के रेशियो से मिलेगा। जैसे कि आपने कहा सर वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर टू वोल्टेज दैट इज फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन, फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर टू फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल्स टू जेड पर यूनिट ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर टू जेड पर यूनिट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। तो आपने कहा सर इस हिसाब से हम यहां पे देख पा रहे हैं कि अगर हमारा Z पर यूनिट डाउन हो रहा है ऑटो ट्रांसफॉर्मर का तो इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन ऑटो ट्रांसफॉर्मर की अच्छी हो रही है। बिल्कुल, आपने कहा सर ये हो जाएगा ए ऑटो माइनस वन अपॉन ए ऑटो, तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो रहा है अच्छा हो रहा है। जितना ज्यादा पर यूनिट इंपेडेंस कम होता जा रहा है वोल्टेज रेगुलेशन हमारा अच्छा होता जा रहा है। अभी तक तो सारे एडवांटेज नजर आ रहे हैं कि सर लॉसेस कम हो गया, इफिशियंसी बढ़ गई, केवीए हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ गई, पर यूनिट इंपेडेंस डिक्रीज हो गया, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा हो गया, ये सारे तो एडवांटेजेस नजर आ रहे हैं। अब जरा हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट करंट की यानी फॉल्ट करंट की। हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट करंट की। तो हमने शॉर्ट सर्किट करंट देखा था टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में, तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में हमने देखा था शॉर्ट सर्किट करंट अपॉन रेटेड करंट इज इक्वल टू वन अपॉन जेड पर यूनिट। ये हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बाद आपको पर यूनिट सिस्टम बताया था और पर यूनिट सिस्टम में मैंने ये एक्सप्रेशन डिराइव कराया था। आपने कहा सर यहां से ये क्या कहलाएगा पर यूनिट शॉर्ट सर्किट करंट, तो पर यूनिट शॉर्ट सर्किट करंट किसके प्रोपोर्शनल होगा? आपने कहा सर जेड पर यूनिट के प्रोपोर्शनल होगा। अगर पर यूनिट शॉर्ट सर्किट करंट जेड पर यूनिट के प्रोपोर्शनल होगा यानी दिस इज अ फॉल्ट करंट, दिस इज द फॉल्ट करंट एट रेटेड वोल्टेज, सो पर यूनिट शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट वे एट रेटेड वोल्टेज विल बिकम, आप कह सकते हो सर पर यूनिट शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर टू पर यूनिट शॉर्ट सर्किट करंट व्हेन कनेक्टेड एज टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल्स टू टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल्स टू, आपने कहा सर ये हो जाएगा हमारे पास हाँ जी 1 बाय जेड जेड पर यूनिट ऑफ जेड पर यूनिट ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर टू जेड पर यूनिट ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर। आपने कहा सर अगर हम प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जाते हैं तो जेड पर यूनिट कितना हो गया था 1/11 टाइम्स जब 22 केवीए के ट्रांसफॉर्मर को 24.2 केवीए की तरह यूज कर रहा था, तो ये कितना हो गया था? आपने कहा सर ये हमारा हो गया था 1/11, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 11, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब हुआ कि फॉल्ट लेवल 11 टाइम्स बढ़ गया कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। सो दिस इज द मेन रीजन, क्योंकि आपने जो टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर डिजाइन किया होगा वो किस फॉल्ट लेवल के लिए डिजाइन किया होगा, वो आपने इस फॉल्ट लेवल के लिए डिजाइन किया होगा और अब जो आपका फॉल्ट लेवल है वो 11 टाइम्स क्या हो गया ज्यादा हो गया, इसलिए कभी भी हम टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर को ऑटो ट्रांसफॉर्मर नहीं बनाना चाहते। हम जब भी बनाएंगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर फ्रेश बनाएंगे ताकि हम उसके फॉल्ट लेवल के हिसाब से उसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, आपने कहा सर हमने ये टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से ऑटो ट्रांसफॉर्मर के डिफरेंट चीजों को समझा। आपने कहा सर हम क्यों नहीं सारे के सारे ट्रांसफॉर्मर को जितने भी हमारे पास हैं उन्हें ऑटो ट्रांसफॉर्मर ही बना दें, तो पहली बात तो आपको समझ में आई होगी कि फॉल्ट लेवल बहुत डेंजरस हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी बात एक और है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स को डील करना बहुत डिफिकल्ट है, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर्स को डील करना आसान है बट ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स को डील करना डिफिकल्ट हो जाता है। यहां पे इस बात को समझिएगा कि क्यों ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स को डील करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। अगर हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर के केस में हमारा इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन लॉस्ट हो जाता है। आपने कहा सर ये हमारे पास हो गया एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर, मान लेते हैं हम हमारे पास ऑटो ट्रांसफॉर्मर है 2500 वोल्ट्स बाय 250 वोल्ट्स,
तो ये हमारे पास एक ऑटो ट्रांसफार्मर है 2500 वोल्ट्स बाय 250 वोल्ट्स। अब मान लीजिए आप इस ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज करना चाहते हैं, तो आपने बोला सर यहां पे हम लोड लगाना चाहते हैं। अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझिए, आपने जिस समय लोड नहीं लगाया हुआ उस समय यहां पर कितना वोल्टेज मिल रहा होगा? आपने कहा सर उस समय यहां पर वोल्टेज कितना मिलेगा, यहां पर वही वोल्टेज लेवल होगा जो वोल्टेज लेवल यहां है, यानी यहां पर 2500 वोल्ट्स मिल रहा होगा। तो जिस इंस्टेंट पे आप लोड को स्विच करोगे उस इंस्टेंट पे इस 250 वोल्ट लेवल के लोड पे कितना वोल्टेज अपीयर हो जाएगा? 2500 वोल्ट, यानी कि स्विचिंग ओवर वोल्टेज। इस स्विचिंग ओवर वोल्टेज को लोड नहीं संभाल पाएगा और लोड क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। तो अगर ये ए ऑटो के रेशियो में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, तो यहां पर ये बहुत बड़ी समस्या ये है कि यहां पर जो लोड वो है वो हमारा लो वोल्टेज रेटिंग का लोड है जिसपे स्विचिंग ओवर वोल्टेज कितना अपीयर हो जा रहा है? 2500 वोल्ट अपीयर हो जा रहा है। हाँ, अगर आपके पास ये लोड वेरिएबल नेचर का होता या आप यहाँ पे इम्पीडेंस वेरिएबल नेचर का रख पाते तो ठीक था कि आपने पूरा यहाँ पे 250 वोल्ट आने के बाद लोड को लगाया, लेकिन अगर आपने यहाँ पे लोड लगाने की कोशिश करी तो ये 250 वोल्ट का लोड इस समय 2500 वोल्ट जब स्विचिंग वोल्टेज अपीयर होगा तो तुरंत क्या होगा? डैमेज हो जाएगा। दूसरा ये एक और समस्या है, ट्रांसमिशन लाइन में अगर देखा जाए तो ट्रांसमिशन लाइन का लेवल हम क्या डिफाइन करेंगे? भाई इधर 2500 वोल्ट इधर 250 वोल्ट, तो जो आदमी यहां काम करने आएगा उसे तो यही लगेगा कि यहां पे 250 वोल्ट है। अब मान लीजिए वो पतली सी चप्पल पहन के चला आया इसको ओपन करने, और इसको ओपन किया और उस समय उसको जो यहां वोल्टेज लगा वो कितना लगा? 2500 वोल्ट, तो वो चप्पल काम नहीं करेगी। सो इट इज वेरी डेंजरस फॉर द पर्सन वर्किंग ऑन द एलवी साइड एंड ऑल्सो इट इज वेरी डेंजरस फॉर द लोड। सो इस वजह से जब भी हम ऑटो ट्रांसफार्मर को डील करते हैं ये डीलिंग बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, लेकिन यही डिफिकल्टी दूर हो जाती अगर मान लीजिए ये वोल्टेज लेवल होता 2750 और यहां पे हमारे पास होता 2500 वोल्ट, तो ये डिफरेंस कम था। अब अगर हमारे पास ऐसा लोड है जो 2500 वोल्ट का है तो वो 2750 वोल्टेज के स्विचिंग ओवर वोल्टेज को झेल सकता है और आपका यहां पर डैमेज नहीं होगा। तो जितना भी वोल्टेज क्लोज टू यूनिटी होगा हमारा कॉपर का सेविंग भी उतना ही ज्यादा होगा, हमारा ट्रांसफार्मर का रेटिंग उतना बड़ा होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर का रेटिंग कंपेयर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ज्यादा बड़ा होगा, और दूसरा इस तरह की प्रॉब्लम से हम बच सकेंगे और इजिली लोड को कनेक्ट कर सकेंगे। सो दैट इज वाई ऑटो ट्रांसफार्मर इज सुटेबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ए ऑटो क्लोज टू यूनिटी। जब ए ऑटो क्लोज टू यूनिटी होता है तो हम कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर हमारे लिए सुटेबल ट्रांसफार्मर है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं वेरिएबल रेशियो ऑटो ट्रांसफार्मर की, और साथ ही साथ मैं कुछ यूजेस के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सो ऑटो ट्रांसफार्मर यूज तब किया जाता है जब ए ऑटो क्लोज टू यूनिटी होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का फायदा अगर कहा जाए तो केवीए हैंडलिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, कॉपर की परसेंटेज सेविंग होती है, यानी कॉपर सेविंग होने का मतलब लॉसेस कम होते हैं, इफिशियंसी ज्यादा होती है और वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है। डिसएडवांटेज क्या है? चूंकि परसेंटेज इंपीडेंस कम होता है इस वजह से फॉल्ट लेवल बहुत हाई होता है, तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट लेवल बहुत हाई होता है, और दूसरा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द लो वोल्टेज साइड वोल्टेज लो वोल्टेज साइड लोड बिकॉज एट द टाइम ऑफ स्विचिंग वेरी हाई वोल्टेज अपीयर्ड ऑन टू द लोड जो कि लोड को डैमेज कर सकता है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूंगा वेरिएबल रेशियो ऑटो ट्रांसफार्मर की। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरिएबल रेशियो ऑटो ट्रांसफार्मर की अगर बात किया जाए तो वेरिएबल रेशियो ऑटो ट्रांसफार्मर बिल्कुल वैसा ही है जैसा फिक्स्ड रेशियो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। बस एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि इसमें एक सिंगल टर्न प्राइमरी रैप्ड होती है अराउंड लैमिनेटेड कोर और टैपिंग्स प्रोवाइड किए जाते हैं कार्बन ब्रश द्वारा। ये कार्बन ब्रश द्वारा जो टैपिंग प्रोवाइड की जाती है यहां पर आप इस ब्रश की पोजीशन को एक हैंड व्हील से कन्वर्ट कर सकते हो, और जैसे ही आप चेंज कर सकते हो, जैसे ही आप हैंड व्हील की पोजीशन को चेंज करते हो नंबर ऑफ टर्न्स बदल जाते हैं जिसकी वजह से हम ये पाते हैं कि हमारा वोल्टेज डिफर करता है। जैसे मान लीजिए ये आपका एच वी साइड का वोल्टेज हो गया, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो हुए वो एन एच हो गए एच वी साइड के,
ओके और आपसे मैं अगर यहां पे कहूं तो एक कार्बन के ब्रश के द्वारा हम यहां पे टैपिंग प्रोवाइड कर देते हैं। ये बहुत स्लो मूविंग होता है, यानी हम बहुत इसका जो है फ्रिक्शन बढ़ाए रखते हैं ताकि ये धीमे धीमे आगे बढ़े। सडन चेंज होने से प्रॉब्लम ये होगी कि चूंकि इंडक्टर है तो इंडक्टर डज नॉट अलाउ अ सडन चेंज इन करंट, इस वजह से धीमे धीमे टर्न हमारे बढ़े तो करंट धीमे धीमे चेंज होगी। आपने कहा सर ये हैंड व्हील है और इस हैंड व्हील में हमने क्या यूज़ किया है, एक कंडक्टर यूज़ किया हुआ है। ये हमारा कंडक्टर हो गया जो इस कार्बन के ब्रश के थ्रू कनेक्टेड है और ये कंडक्टर हमारा यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज यहाँ शो कर रहा है जिसको आप VL कह सकते हो। यहाँ पे जो टर्न्स हैं वो आपके NL टर्न्स हैं। अब यहाँ पे इस हैंड व्हील की पोजीशन को अगर हम चेंज करते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स बदलेंगे और अगर नंबर ऑफ टर्न्स बदलेंगे तो इस साइड का वोल्टेज जो है वो बदलता चला जाएगा। यहां मैंने कुछ टर्न्स एक्स्ट्रा रखे हुए ताकि अगर हैंड व्हील को बदलते बदलते यहां से और आगे ले जाएं तो आपका वोल्टेज स्टेप अप भी कर सके। तो आपका जो वेरिएबल रेशियो ऑटो ट्रांसफार्मर है इसे हम लोग वैरियक के नाम से भी जानते हैं, वैरियक के नाम से भी जानते हैं। तो ये वेरिएबल रेशियो ऑटो ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी होती है वो इंस्टेड ऑफ बीइंग फिक्स्ड एट सम प्री डिटरमाइंड पोजीशन इट इज tapped through the carbon brush and the position of carbon brush is managed by the hand wheel. आपने अपने लैब में देखा भी होगा ऊपर नीले कलर का ढक्कन या काले कलर का ढक्कन है, आप उसको चेंज करते हो तो उससे नंबर ऑफ टर्न्स बदल जाते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये हमारे पास एक लैमिनेटेड कोर है और इस लैमिनेटेड कोर के ऊपर हमने वाइंडिंग्स को रैप किया हुआ है और ये वाइंडिंग्स हमारी रैप हो रखी हैं। ये हमारे पास वाइंडिंग्स रैप्ड है। आपने कहा सर यहाँ पर ये हमारे पास NH टर्न्स हैं, ये टोटल टर्न्स हमारे पास NH हैं। जब तक ये वाइंडिंग इससे ऊपर है इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस ये यहाँ पे टैप्ड है। यहाँ वोल्टेज हम VH लगा सकते हैं, यहाँ कार्बन का ब्रश लगा रखा है और इस कार्बन के ब्रश के थ्रू यहाँ का जो वोल्टेज है वो VL बना हुआ है। आपने कहा सर अगर हम इस कार्बन के ब्रश की पोजीशन को चेंज करते जाएंगे इस डायरेक्शन में तो VL हमारा बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो NL नंबर ऑफ टर्न्स है। सो ईच एंड एवरीथिंग इज सेम एज इन केस ऑफ फिक्स्ड टाइप, द ओनली डिफरेंस इज सेकेंडरी इज नॉट फिक्स्ड एट एनी प्री डिटरमाइंड कंडीशन, इंस्टेड ऑफ बीइंग फिक्स्ड एट प्री डिटरमाइंड कंडीशन सेकेंडरी इज टैप्ड थ्रू द कार्बन ब्रश। ओके सो ये हमारा हो गया वेरिएबल रेशियो ऑटो ट्रांसफार्मर सिंगल फेज, इसको मैं कहूंगा सिंगल फेज वैरियक। ये हमारे लैब्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और अगर मैं थ्री फेज ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करूं तो थ्री फेज ऑटो ट्रांसफार्मर में यही जो टैपिंग है वो आपकी हर एक फेज पे आइडेंटिकल टैपिंग प्रोवाइडेड होती है। ये तीनों फेजेस आइडेंटिकल होते हैं और यहाँ पर जो हमारा कार्बन का ब्रश रखा हुआ है वो तीनों फेजेस पे एक ही जगह पे रखा होता है, यानी सभी पे नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल बने रहते हैं। अब जैसे ही आप अगर किसी भी अगर आपने हैंड व्हील की पोजीशन को बदला तो नंबर ऑफ टर्न्स एक साथ सारे चेंज होंगे। सो ये आपके पास मान लीजिए ये आ गया आपका थ्री फेज साइड, सो ये हो गया थ्री फेज साइड, इसको सेकेंडरी साइड कह सकते हैं। यहाँ पे हम देते हैं थ्री फेज सप्लाई। जनरली ये यूज किया जाता है हमारे थ्री फेज इंडक्शन मशीन्स को स्टार्ट करने के लिए या थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन्स को स्टार्ट करने के लिए। तो स्टार्टिंग पर्पस के लिए इसका थ्री फेज ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाएगा। यहाँ पर ये जो टर्न्स हैं वो सभी के बराबर हैं, NL टर्न्स ये हैं, NL टर्न्स ये भी हैं और NL टर्न्स ये भी हैं। ये सारे NL टर्न्स हो गए। अगर मैं NH टर्न्स की बात करूं तो NH टर्न्स यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा ये पूरा NH है और यहां पर भी ये पूरा आपका NH है और यहां पर भी ये पूरा आपका NH है। अगर आप पोजीशन को बदलेंगे तो सारा एक साथ NL बदलेगा और इस हिसाब से जो आपको स्टेप डाउन साइड में जो वोल्टेज मिलेगा वो आपको लो वोल्टेज मिलेगा। इसे हम बोलते हैं थ्री फेज वैरियक।
और थ्री फेज वेरिएंट में आपको ये याद रखना है कि ये तीनों एक साथ मूव करेंगे जब भी आप डिस्टेंस को चेंज करोगे, जब भी आप ब्रश पोजीशन को हैंड व्हील के थ्रू चेंज करोगे। इससे क्या होगा, आपका सेकेंडरी साइड का थ्री फेज वोल्टेज डाउन हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं वेरिएबल रेशियो ऑटो ट्रांसफॉर्मर। इसकी फंक्शनिंग बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जैसे टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है।